Chivas Junction. Chivas Junction. Chivas Junction. Chivas Junction. Chivas Junction. नमस्कार मित्रों, मैं गीतकार मनोज कुमार मनोज अचीवर्स जंक्शन पर प्रोफेसर नामवर सिंह जयंती समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अचीवर्स जंक्शन और नारायणी साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में प्रोफेसर नामवर सिंह जयंती समारोह ये आज मनाया जा रहा है और हम सब लोग प्रोफेसर नामवर सिंह जो हमारे हिंदी के सबसे बड़े समीक्षक रहे हैं और मुझे कहते हुए ये संकोच नहीं है कि शायद दुनिया के किसी दूसरे समीक्षक ने इतना नाम नहीं कमाया जितना श्रद्धेय नामवर सिंह जी ने कमाया। और एक समीक्षक के तौर पर जो हिंदी भाषा में और हमारे भारत में उन्हें सम्मान मिला वो सदैव सदैव याद करने योग्य है। और ये हम सभी जानते हैं कि जब कोई समाज किसी व्यक्ति को सम्मान देता है तो बिना कार्यों के नहीं देता। तो आज उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए और उनको नमन करने के लिए हमारे अचीवर्स जंक्शन पर और स्वयं नारायणी साहित्य अकादमी के कार्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया है और वहां पर भी उनको चाहने वाले और नारायणी साहित्य अकादमी के कई सदस्य वहां पर उपस्थित हैं। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनको याद करने के लिए, तो ज्यादा न कहते हुए मित्रों चलो चलते हैं नारायणी साहित्य अकादमी के कार्यालय में और इस समारोह से जुड़ते हैं। और हमारे साथ जो है नारायणी साहित्य अकादमी का जो कार्यालय है उससे हमारा संपर्क हो चुका है और वहां पर समारोह की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर नामवर सिंह के चित्र पर पुष्पार्चन करने के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो और मैं नारायणी साहित्य अकादमी की जो अध्यक्षा हैं डॉक्टर पुष्पा सिंह विशेन सबसे पहले उनसे निवेदन करता हूं कि वो उनके चित्र पर तो सुमन अर्पित करें और फिर जो अन्य सदस्य हैं कि उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। सभी बारी बारी से कुछ नामवर उनके चित्र पर सुमन अर्पित कर रहे हैं। नारायणी साहित्य अकादमी वो संस्था है जिसके ऊपर डॉक्टर नामवर सिंह का सदैव बरद हस्त रहा। डॉक्टर नामवर सिंह इस नारायणी साहित्य अकादमी के संस्थापक और संरक्षक स्वयं रहे और डॉक्टर पुष्पा सिंह विसेन जो नारायणी साहित्य अकादमी की अध्यक्षा हैं वो उनको सदैव
पुत्री मान रहे। तो कोई भी कार्यक्रम जब शुरुआत उसकी होती है मित्रों, तो हम माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। माँ सरस्वती के शब्दार्चन से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ मेरे सम्मुख जो है हमारी संस्था की जो अध्यक्षा हैं डॉक्टर पुष्पा सिंह बिसेन वो हैं, और डॉक्टर रेणु सिंह जी अगर मेरी आवाज़ सुनेंगे तो डॉक्टर रेणु सिंह जी मैं आपको प्रणाम भी करना चाहता हूँ। और आप जो है माँ सरस्वती के चरणों में अपने शब्दाचर जो है शब्दों की जो एक वेणी है उसको अर्पित आप करें ताकि इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जा सके। जी बाबू देवी सिद्धि देवी ज्ञान देवी मालिनी वाग देवी सिद्धि देवी ज्ञान देवी मालिनी नित चरण वंदन करूं हे मात वीणा पाणिनी श्वेत वसना श्वेत वदना श्वेत वाहन धारिणी मंजुल मृदुल मन मोहनी हे मात वीणा धारिणी अज्ञान से अभिधान दो वै दोष्य का तार दो अज्ञान से अभिधान दो वै दोष्य का विशालाक्षी ब्रह्म जाया तुम्ही हो शरात्मिका विशालाक्षी ब्रह्म जाना तुम्ही हो स्वरात्मिका राग तुम वैराग्य तुम स्वस्ति की तुम अंतरा राग तुम वैराग्य तुम स्वस्ति की तुम अंतरा आकंठ तन मन में बसो शुभदा वंद्या चेतांबरा आकंठ तन मन में बसो शुभदा वंद्या चेतांबरा नाद तुम निनाद तुम देश काल निरंजना नाद तुम निनाद तुम देश काल निरंजना अधर मृदु स्मित सरस वरदान दो कमलासना वरदान दो कमलासना वरदान दो कमलासना। बहुत अच्छे बहुत अच्छी सरस्वती वंदना रंजना की आपने पढ़ी और इतने सुंदर मोह शब्द और उस पे आपका स्वर भी बहुत अच्छा है। सरस्वती वंदना हो चुकी है डॉक्टर रेणु सिंह जी द्वारा। डॉक्टर रेणु सिंह ने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना पढ़ी और अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। और नारायणी साहित्य अकादमी की जो अध्यक्षा है डॉक्टर पुष्पा सिंह विशेन उनके उद्घाटन भाषण से या यूं कहिए उनके स्वागत भाषण से हम जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। मैं नारायणी साहित्य अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर पुष्पा सिंह विशेन को बहुत सम्मान के साथ उनके स्वागत भाषण के लिए उद्घाटन भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पुष्पा सिंह विष्णु अध्यक्ष नारायणी साहित्य अकादमी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी श्रोता सभी जनों का मैं आज के इस राष्ट्रीय साहित्यिक पावन पर्व पे सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। नाम और बाबूजी के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं आज उनके व्यक्तित्व के एक पहलू को
लूंगी। कृतित्व को छोड़ते हुए उनके व्यक्तित्व पे कहना चाहूंगी, 27 वर्षों का जो मेरा साथ उनके साथ गुजरा है वह बहुत ही एक अद्भुत अनमोल पल रहा है। बाबूजी के स्नेह के छत्र छाया में मैंने अपना साहित्य लेखन पल्लवित पोषित किया है, क्योंकि पहले मैं सिर्फ कविताएं लिखती थी और कहानियां। इन अमर सिंह जी के द्वारा ही सुझाए गए बातों से मुझे लगा कि मुझे वर्तमान समस्याओं पे काम करना चाहिए। उपन्यास की दिशा में मोड़ने के लिए बाबूजी ने ही मुझे कहा कि पुष्पा वर्तमान समस्याओं को उपन्यास में उकेरो, और मैंने उनका कहा मानकर उपन्यास के क्षेत्र में सबसे पहला उपन्यास मेरा अछूत कजरी था, जो कि भारत देश में जातिगत समस्याओं को देखते हुए वो हमेशा कहा करते थे कि यहाँ पे कुछ भी हो, आरक्षण हो गया या कुछ भी हो, 21वीं सदी है लेकिन जात पात के भेदभाव से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है कि बाबूजी के द्वारा सुझाए गए कार्यों को का बहुत ही मुझे उसका लाभ मिला, साहित्यिक लाभ तो नहीं कहूंगी लेकिन अछूत कजरी आज आज के दिन ही मुझे सूचना आई यूएस में कि वो अनुवादित होकर पूर्ण हो गई है अंग्रेजी भाषा में। यह मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि आज बाबूजी के जन्मदिन पे ये सूचना मुझे मिली। और बाबूजी के संदर्भ में कहना चाहूंगी कि मैं जब 27 वर्षों में कभी वहां जाती थी तो उस समय मेट्रो नहीं हुआ करते थे, बस से ऑटो से घर से निकलती थी, अगर 2 मिनट भी लेट हो जाता था तो वो हमेशा कहते थे पुष्पा कहाँ पहुंची, बेटा कहाँ हो। इतनी सहजता से चिंतन करना एक अदना से लेखिका के लिए ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। उनका स्नेह मेरे लिए किसी पद्म श्री भारत रत्न से कम नहीं था जी। और उनको एक दुनिया भले ही समझती हो कि एक वामपंथी विचारधारा, लेकिन मैंने कुछ भी उसमें ऐसी कोई क्रूरता उनके व्यक्तित्व में नहीं देखी जो कि मतलब इस विचारधारा के प्रति वो असंवेदनशील हो। बहुत ही सहजता से वो महिलाओं की समस्याओं पे और गरीब दलित वर्ग के उत्थान के लिए सदैव सक्रिय रहे और उन्हीं के बीच जीते थे। और उनके विचार जो आज भी अगर हम आत्मसात करें तो हमारे देश में समरसता का भाव आ सकता है। वो नित्य प्रति, मैं 9 बजे कभी पहुंची तो वो प्रतिदिन रामायण पढ़ते थे, 2-4 चौपाई पढ़ेंगे उसके बाद ही उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। और इतने सहज व्यक्तित्व के धनी नामवर सिंह जी की जिनकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता, नामवर सिंह जैसा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नामवर सिंह जी के बारे में एक घटना का जिक्र करना चाहूंगी कि एक बार मेरा एक लेख छपा गगनांचल में, मैं 2-3 महीने पहले वो भेजी थी फिर भूल गई थी। उसके बाद उनका फोन आया, बेटा बहुत अच्छा तुम्हारा लेख है मैं और मैंने पढ़ा। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि मुझे याद भी नहीं था कि यह लेख कब मैंने भेजा था, किस पत्रिका के लिए, क्योंकि पत्रिकाओं से जुड़ना मेरी कमी रही। वो हमेशा हमें प्रोत्साहित करते थे पत्रिकाओं से जुड़ो, लेकिन शायद मैं अपनी दिनचर्या की वजह से नहीं शामिल कर पाती थी, पत्रिकाओं से नहीं जुड़ पाती थी। कहने को तो 55 पुस्तकें मैं इस समय प्रकाशित हो चुकी है मेरी, लेकिन मैं उस समय ऐसा सोचती थी कि घर की स्थिति क्या है, ये सब चीजों को देखते हुए मैं पत्रिकाओं से नहीं जुड़ पाती थी। वो हमेशा कहते थे बहुत प्रतिभा तुम्हारे अंदर छुपी है। वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे आर्टिकल था और उसमें मैंने एक दुर्लभ व्यक्तित्व करके जो लिखा था वो उन्हें बहुत पसंद आया। एक किसी भी व्यक्ति को सराहना, उसको उत्साहित करना, इस संदर्भ में उनका स्नेह जो मुझे मिला उतनी आत्मीयता कि मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि मैं नामवर सिंह जी के करीब 27 वर्षों के जीवन काल में रही और लेखन करती रही। जी।
नामवर सिंह जी से मैंने एक प्रश्नोत्तरी के संदर्भ में चर्चा की कि बाबूजी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ पूछो, क्यों नहीं बेटा। मुझे इतना अधिकार उन्होंने दिया था कि मैंने बेबाकी से बहुत सारे प्रश्न पूछे और देश के, समाज के, साहित्य के संदर्भ में एक प्रश्न का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी कि मैंने बाबूजी से पूछा कि देश की दशा और दिशा कहाँ जा रही है बाबूजी, और देश के वजीर आजम के बारे में कुछ कहिए। उन्होंने एक शब्द में बात खत्म की, देश को हिटलर की जरूरत नहीं है। यह पुष्पा के सवाल नामोर के जवाब मेरी पुस्तक है, उसमें ये पुस्तक आ रही है छप के अगले महीने। तो ये अब इस बात में देश को हिटलर की जरूरत नहीं है, इस बूढ़ रहस्य को आज की पीढ़ी को समझना चाहिए कि एक साहित्यकार जो कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर और इतने उच्च विचारधारा के विद्वत जन का ऐसा विचार हो कि देश को हिटलर की जरूरत नहीं है, ये आप में रहस्य है। इस बात को मैं छोड़ के आगे बढ़ूंगी क्योंकि इस पे चर्चा की जाएगी तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नामोद जी ने इतना स्नेह मुझे दिया कि नारायणी साहित्य अकादमी की स्थापना के संदर्भ में बताना चाहूंगी कि जब कहे कि हिंदी की दशा तो भारत में ऐसा है बेटा, अंग्रेजी का वर्चस्व है, ये बात मुझे भी बहुत महसूस होती है, कुछ क्यों ना काम किया जाए। तो मेरे मुंह से निकला कि बाबूजी मैं चाहती हूँ कि एक नामोर साहित्य अकादमी खोल दी जाए। बहुत ठठा के हंसे एकदम बाबूजी, मैं तो सोच ही नहीं पाई कि क्यों ये हंस रहे हैं। कहे बेटा जीवित आदमी के लिए संस्था उसके नाम से नहीं होनी चाहिए और ना ही उसकी मूर्ति बननी चाहिए, इन दो कामों से बचना जीवन में तुम। और बोले कि ऐसा है कि कोई संस्था खोली जाएगी सोचता हूँ। फिर मेरे दिमाग में आई ब्रह्म प्रिय नारायणी के नाम से मेरी एक कविता थी जो वंदना, उसके बाद से मैंने कहा अच्छा ठीक है नारायणी साहित्य अकादमी कैसा रहेगा बाबूजी। तो बोले कि ये तो बहुत अच्छा सोची हो, विष्णु प्रिय लक्ष्मी के बारे में सोची हो कि ब्रह्मा प्रिय लक्ष्मी के बारे में। और वो पल मुझे याद है कि मैंने कहा नहीं, इसके पहले अक्षर का ना से नामोर हुआ और रा से राष्ट्रीय, और यणी का मतलब आप सभी विद्वत जन है समझ सकते हैं इस बात को। और इस तरह से नारायणी साहित्य अकादमी की नींव 2000 में पड़ गई थी। रजिस्ट्रेशन इसका भले ही 2006 में हुआ साथ में, और इस तरह छोटे छोटे आयोजन द्वारा नारायणी साहित्य अकादमी पल्लवित पोषित होती रही और बाबूजी का स्नेह सदैव बना रहा हर तरह से, तन से, मन से, धन से। बाबूजी नारायणी साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों में सदैव आते रहे हैं और अपना आशीर्वाद खूब देते रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो अभी नाम मैं नहीं लूंगी मनोज जी, ये कहना चाहूंगी कि बहुत बड़े साहित्यकार, कवि, लेखकों के कितनी चीजों को नामोर सिंह जी द्वारा कहा गया का ढेर है, ये आप समझ सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी कि किसके लिए उन्होंने कहा था आज के पावन पर्व पे, लेकिन मुझे कहानियों में, उपन्यास में सब्जेक्ट उन्होंने दिया और मैंने काम किया। एक बात वो कहते थे कि पुष्पा हाव भाव नयन नक्श से तुम बचती हो और तुम्हारी कहानियां सपाट दौड़ती हैं। मैंने कहा जी बाबूजी क्या सुधार करना चाहिए। तो अब मैं जैसे चाहती थी कम शब्दों में, कोई 250-300 पेज की किताब हो और कहानियां बहुत लंबी हो चाहे उपन्यास, तो उससे आदमी उबता है। तो एक अपनी मतलब मैंने जो एक विधा आरंभ की कि नयन नक्श और फालतू चीजों का वर्णन ज्यादा न किया जाए, तो मैंने कहा ये मेरे काम करने का तरीका है। तो ये उनका कहना था कि पुष्पा तुम्हारी कहानियां सपाट दौड़ती हैं और कब तुम मंटो होती हो, कब मुंशी प्रेमचंद्र, कब महादेवी वर्मा, ये मैं नहीं समझ सकता। तो इतनी बातें कहना ये उनके स्नेह का वो पहलू है जिसको मैं बहुत ज्यादा अपने बातों के द्वारा, अपने लेखन के द्वारा भी नहीं उजागर कर सकती। नामवर सिंह जी का स्नेह मिलना ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है।
कि आज तक कभी वो कहीं भी रहते थे मेरा फोन उठाएंगे, कहेंगे बेटा मंच पे हूँ, लेकिन कभी भी आने की बात हो 8 बजे, हाँ बेटा तुम्हारा घर है आ जाओ। मैंने वो स्थिति भी देखी है सन 2000 के करीब कि जेएनयू के छात्र बैठे रहते थे और मुझे बाबूजी पीछे कमरे में बैठा देते थे, दुबकी बैठी रहती थी उन बच्चों से फुर्सत पाके, लेकिन वो कभी हमें ये नहीं कहे कि बेटा तुम 2 घंटा बाद आना। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये किसी भारत रत्न पद्म श्री से कम नहीं है। एक इतने बड़े बरगद साहित्य के बरगद के नीचे बैठकर मैं पलवी पोषित कर पाई हूँ अपने साहित्य को, और आज भी ये महसूस होता है कोई बात होती है कि मेरे बाबूजी मेरे पास ही हैं, बिल्कुल ही नहीं कहीं अलग है। और मैं अपनी भावना में अपनी यादों में हमेशा उनको समेटे रहती हूँ। उनके लिए थी शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर पा रही हूँ, कभी भी कुछ लिखती हूँ बाबूजी कह रहे हैं, बाबूजी कहते हैं, थे शब्द का प्रयोग मेरे जीवन में नहीं आ पा रहा है। उनके वे पुत्र और पुत्री जो है समीक्षा ठाकुर जी चाहे विजय भैया, दोनों लोग मुझे बहुत स्नेह करते हैं और मैं जानती हूँ कि उन्होंने नामवर सिंह जी ने भी अपने बच्चों से ज्यादा ही स्नेह मुझे किया है। जिसका जिसका जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में उन्होंने अपने अपार सहज व्यक्तित्व सरल भाव उनके अंदर भरे रहते थे, और उन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए जो काम किया है और हमारे हिंदी के कोर्स के लिए, वो एक हमारे भारत देश के हिंदी भाषा के लिए अद्भुत उपहार है। और आगे भविष्य में मैं चाहूंगी कि ये नारायणी साहित्य अकादमी के द्वारा उनके सभी सुझाए मार्गों को पर मैं अग्रसर होते हुए जीवन में आगे बढ़ूं और अपने साहित्य को। बहुत धन्यवाद, बहुत और नामवर सिंह जी के प्रति यही मेरी श्रद्धांजलि है, और मैं इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ। मेरे व्यक्तित्व में मेरे दिल दिमाग मेरे मतलब अपने पिता का भी साथ छूट जाता है और सास ससुर भी छूट जाते हैं, लेकिन 30 साल सानिध्य नहीं किसी का मिलता है, 27-28 साल हर शनिवार को हर इतवार को जाना, और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि तनिक भी बाबूजी प्यार रहित हैं। और मैं शनिवार इतवार दिन चुनती थी, उस दिन बिटिया भी उनकी आ जाती थी, भैया भी आ जाते थे, सभी से मुलाकात हो जाती थी, और इतना स्नेह मेरे लिए जीवन में मिलता रहे। मैं ये जानती हूँ कि बाबूजी सूक्ष्म रूप से मेरे आस पास है, यही कहीं है और हर पल मेरे साथ है। इस और मैं आज अपनी बातों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज बाबूजी को मैं एक पंक्ति में समर्पित करना चाहती हूँ। ये साहित्य के सर्वोच्च शिखर लौट आओ फिर। वाचिक परंपरा के द्वारा बाबूजी ने जो चीजें जगह जगह जाके अपने भाषण द्वारा अपने वक्तव्य द्वारा समाज को एक दिशा देने के लिए सदैव प्रयासरत रहते थे, इस बारे में मैंने उनसे पूछा कि बाबूजी क्या ये वाचिक परंपरा आपके बाद क्या होगा। तो बोलते थे कि बेटा मुड़ के देखूंगा तो मेरे ही कदम नजर आएंगे। आज वही हाल है। नामवर जी एक व्यक्ति तो नहीं थे, एक नाम भर नहीं थे, उन्होंने अपने आपको एक युग में स्थापित किया, नामवर युग। अब दूसरा नामवर ना कोई धरती पे पैदा होगा और ना कोई नामवर युग दोबारा आएगा जो अपने देश के लिए अपने भाषा के लिए एक अच्छी सोच रख सके। जय हिंद, सभी का बहुत बहुत आभार। आपका भी डॉक्टर पुष्पा सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने मार्मिकता से और इतने सधे हुए अंदाज से, क्योंकि और वो प्रेम वो स्नेह आपके चेहरे पे आपके व्यवहार में नजर आता है कि आपने जो है डॉक्टर नामवर सिंह जी का स्नेह पाया और वो आपको पुत्री की तरह मानते थे। आपका स्नेह जो है उनके साथ आज भी है, हमें भी ये विश्वास है। और मित्रों, मैं जो है फिर वापस अचीवर्स जंक्शन के स्टूडियो में लौटना चाहता हूँ, और ये कार्यक्रम 3 चरणों में जो है ये चलेगा। ये हमारे जो कुछ लोग जो हैं नारायणी साहित्य अकादमी
के कार्यालय में हैं जो लाइव है हमारे साथ, और कुछ लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने प्रोफेसर नामवर सिंह के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर कुछ बाइट्स हमें भेजी हैं, कुछ संदेश भेजे हैं, तो वो संदेश भी हम साथ के साथ अपने स्टूडियो से लेते हुए चलते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले मेरी अगर टेक्निकल टीम तैयार है तो सबसे पहले मैं संदेश जो है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का आप लोगों को सुनवाना चाहता हूँ कि उन्होंने नामवर सिंह जी के जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर क्या कहा है। नामवर जी को हम सबसे बिछड़े 1 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी भी लगता है जैसे नामवर जी हमारे सबके आसपास हैं, ठहाका मारकर हंस रहे हैं, ठहाका मारकर गप्पे मार रहे हैं, हम सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं। एचीवर्स जंक्शन और नारायणी साहित्य अकादमी नामवर जी की स्मृति में 28 जुलाई को उनके जन्मदिन के अवसर पर एक आयोजन कर रहा है। हर साल यह आयोजन किया जाता रहा है, जब तक नामवर जी थे वे स्वयं इस आयोजन में उपस्थित रहते थे। मेरा सौभाग्य रहा कि नामवर जी के अंतिम दिनों में मैं उनका स्नेह पा सका। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को उन्होंने अपना पूरा ग्रंथ संग्रह भेंट किया और इस दौरान उनसे कई बार मुलाकातें हुई और हर बार मुझे लगा कि मेरे प्रति उनका स्नेह थोड़ा और बढ़ गया है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी धरोहर थी क्योंकि मैं उनके विराट व्यक्तित्व की कुछ था उस समय पा सका। बहुत सारे लोग इस दुनिया में सिर्फ नाम के नामवर होते हैं, लेकिन जो अपने नाम को जी जाते हैं, अपने नाम को सार्थक कर जाते हैं, ऐसे थे नामवर जी। हम सबके बीच वो हमेशा रहेंगे, वैसे ही रहेंगे जैसे थे। नामवर जी की स्मृति को शत शत नमन। परा है कि हम किसी व्यक्ति को जो है वो कभी भूलते नहीं हैं, जो समाज के लिए अच्छा करके जाता है, जो साहित्य के लिए अच्छा करके जाते हैं। तो अगर मेरी टेक्निकल टीम तैयार नहीं हो तो मैं फिर से जो नारायणी साहित्य अकादमी के जो कार्यालय में मैं फिर से चलना चाहूंगा और वहां जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनको हम साथ के साथ जो है इस कार्यक्रम में लिए चलते हैं। मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल वागदेवी रत्ना, नारायणी साहित्य अकादमी की कार्यकारिणी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, बाबूजी के सम्मान में भावों के श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। जन्म ले काशी धरा को, जन्म ले काशी धरा को, आपने गर्वित किया दे दिशा साहित्य को, आपने पोषित किया कर नई आलोचनाएं, मानमित अर्जित किया, कर रही श्रद्धा समर्पित, वंश को सुरभित किया। प्रगतिवादी हिंदी आलोचना के समर्थ हस्ताक्षर डॉक्टर नामवर सिंह जी का जन्म 28 जुलाई 1926 को वाराणसी के जीनपुर गांव में हुआ था। आपके साहित्य सृजन ने समस्त भारतीय साहित्य के प्रांगण को नव दिशा निर्देश दे मंत्रमुग्ध कर दिया। हिंदी आलोचना की वाचिक परंपरा के आचार्य कहे जाने वाले डॉक्टर नामवर सिंह जी ने इतिहास और आलोचना के अंतर्गत व्यापकता और गहराई जैसे महत्वपूर्ण काव्य मूल्यों को परस्पर सहयोगी बताने का मौलिक साहस दिखाया, जबकि इन दोनों को परस्पर विरोधी गुणों के रूप में स्वीकार किया गया था। आपकी आलोचकीय ख्याति अपेक्षाकृत काव्य आलोचना के क्षेत्र में अधिक रही है। विचारक प्रकृति के नामवर सिंह जी हिंदी में अपभ्रंश साहित्य से आरंभ कर निरंतर समसायिक साहित्य से जुड़े हुए आधुनिक अर्थ में विशुद्ध आलोचना के प्रतिष्ठापक
तथा प्रगतिशील आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। आपने मार्क्सवाद तथा सौंदर्य शास्त्र के बीच अद्भुत संतुलन बनाकर हिंदी आलोचना को संपूर्ण गरिमा प्रदान की है। यही कारण है कि आज आलोचना की नई प्रगतिशील परंपरा में आपके नाम की प्रतिष्ठा सर्वथा निर्विवाद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रिय शिष्य डॉक्टर नामवर सिंह जी को 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जहां एक और इन्होंने दूसरी परंपरा की खोज के अंतर्गत मुक्ति चिंतक आकाश धर्मी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य का वस्तु परक मूल्यांकन किया है। वहीं छायावाद नामक कृति में इन्होंने छायावाद में निहित सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन किया। यह प्रगतिवादी आलोचना की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृतियों में आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद आदि प्रमुख हैं। व्यावहारिक आलोचना करने वाले शिखर पुष्प नामवर सिंह जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दूसरी परंपरा की खोज करने वाले नामवर जी का जाना साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। हिंदी साहित्य के नए प्रतिमान तय करने वाले प्रख्यात साहित्यकार एवं समालोचक डॉक्टर नामवर सिंह जी को मेरा शत शत नमन। क्योंकि आज उनका जन्मदिन है तो सबसे पहले मैं एक कविता से ही, उनकी लिखी हुई कविता से प्रारंभ करना चाहूंगी। तो सुने आप, आज तुम्हारा जन्मदिन है, यूं ही ये संध्या भी चली गई, किंतु अभागा मैं न जा सका सम्मुख तुम्हारे और नदी तट। क्योंकि आज उनका जन्मदिन है तो सबसे पहले मैं एक कविता से ही, उनकी लिखी हुई कविता से प्रारंभ करना चाहूंगी। तो सुने आप, आज तुम्हारा जन्मदिन है, यूं ही ये संध्या भी चली गई, किंतु अभागा मैं न जा सका सम्मुख तुम्हारे और नदी तट भटका भटका, कभी देखता हाथ कभी लेखनी अबध्य पार हाट, शायद बेला रंग रंग गुब्बारे उठते, लघु लघु हाथ सीतियां शिशु सजे धजे मचल रहे, सोचूं कि अचानक दूर 6 बजे पतिमली में भरा व्योम आ बैठे तारे, सेवा उपवन पुष्प मित्र गंधव आ लगा, मस्तक कंकण भरा किसी ने ज्यों हिला दिया, हर सुंदर को देख सोचता क्यों मिला हिया, यदि उससे वंचित रह जाता तुम्ही सा सगा, क्षमा मत करो वत्स आ गया दिन ही ऐसा, आँख खोलती कलियां भी कहती पैसा। बहुत खूबसूरत कविता है उनकी, उन्होंने और भी बहुत खूबसूरत कविताएं सहज सरल सी हमें दी हैं पढ़ने के लिए। और उनके पर इस कविता की विडम्बना देखी ना अंतिम वक्त में पंक्ति में कि वो पैसे की बात कर रहे हैं, हालांकि उनके व्यक्तित्व से मिल नहीं खाता है ये। उनका तो सारा कृतित्व कर्म जो था वो हिंदी साहित्य के लिए, अपने छात्रों के लिए था, तो इसीलिए कई लोगों का ये मानना था कि उन्होंने एक पूरी की पूरी जो हिंदी साहित्य की पीढ़ी है, मैं कोई वक्तव्य पढ़ रही थी तो उसमें एक लेखक ये लिखते हैं कि नामवर सिंह जी की कुर्ते के जीप से पूरी की पूरी हिंदी साहित्य की पीढ़ी निकली है। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत खूबसूरत और शानदार पहलू है। जो नामवर सिंह, हमें मानते हैं कि नामवर सिंह जी ने जो भी व्याख्यान दी हैं, जो भी उन्होंने साहित्य आलोचनात्मक साहित्य हमको दिया है, और जो भी उनके विवाद रहे हैं या उनका कृतित्व रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने हिंदी चेतना को हमेशा उद्वेलित किया है, और वो निरंतरता जब तक वो रहे हमेशा बनी रही वो चेतना। तो ये उनका एक बहुत बड़े उनके व्यक्तित्व का पहलू है कि आप किसी भाषा जो कि संघर्षरत है, उस भाषा को आप जिंदा रखने के लिए निरंतर एक प्रयास कर रहे हैं, तो वो इन्होंने बहुत बखूबी किया। वो एक बहुत आलोचनात्मक संसार का एक बड़ा व्यक्तित्व, बड़ा नाम है। तो मैं कहीं उनके भाई काशीनाथ सिंह जी का वक्तव्य पढ़ रही थी कि मेरा भाई आलोचना क्यों करता है, तो वो कहते हैं कि जो भी लेखक या व्यक्ति व्यक्ति को पढ़ता है या आदमी को पढ़ता है तो वो कथाएं बरसता है, और जो जो किताबें पढ़ता है वो आलोचना करता है। यानी वो एक बहुत ही गंभीर और सुधी पाठक रहे थे, इसीलिए वो इन्होंने निरंतर किताबें पढ़ी और निरंतर किताबें रची। ये बहुत बड़ा एक गंभीर पाठक वो हम उन्हें मान सकते हैं कि वो बहुत गंभीर पाठक रहे थे, तभी इतनी सुंदर और सशक्त आलोचना वो कर सके। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि आज नामवर सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, तो क्या हिंदी आलोचनात्मक साहित्य में कोई ऐसा दूसरा नाम है जो नामवर सिंह जी की बराबरी कर सके? ये बहुत बड़ा शून्य है इस समय। अभी किसी के पास भी इस बात का उत्तर नहीं है कि नामवर सिंह जी के स्थान को कौन भरेगा, कौन इतना सशक्त आलोचक बन पाएगा कि जो इतनी गंभीरता से आलोचना करता हो और लोग उस चीज नतमस्तक होते हैं उसके लिए। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा और पहलू है।
इसके अलावा उन्होंने नामवर सिंह जी ने हमेशा हिंदी के साथ साथ भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो चाहते थे हर भाषा और उसके साहित्यकारों को उचित स्थान मिले और उसके लिए सतत प्रयासरत भी रहे वो। और इतना ही नहीं, अन्य भाषाओं के साहित्यकार ही नहीं बल्कि वो नए साहित्यकारों के लिए भी हमेशा आशावादी थे। तो वो चाहते थे कि पुराने साहित्य के साथ साथ हमको नए साहित्यकारों को भी कोर्स बुक में पढ़ना चाहिए, उसमें उनको स्थान मिलना चाहिए, उनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए जो पुराने साहित्यकारों को मिला हुआ है। तो वो नए साहित्यकारों के लिए उनका बहुत उदार विचार थे इस बात को लेकर। इसके अलावा मैं एक उनके व्यक्तित्व का एक पहलू और देखती हूँ कि वो वैचारिक रूप से वो मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट जो भी रहे होंगे लेकिन भारतीय राजनीति के साथ, साहित्य और राजनीति के साथ जो तालमेल है वो बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सके। क्योंकि जैसे हमने 2015 में देखा जब हिंदी अकादमी का पुरस्कार कई लोगों ने, कई साहित्यकारों ने लौटाया, उस समय कोई कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी, कलबुर्गी वगैरह उनकी हत्याएं हुई थी, तो उन्होंने, उनका ये मानना था कि जो भी साहित्यकार इस समय इस पुरस्कार को लौटा रहे हैं वो अखबारों की सुर्खियों में आना चाहते हैं। ये बहुत कठोर उनका वक्तव्य था। तो उनका ये मानना था कि क्योंकि आपका विरोध सत्ता के साथ है तो आप सत्ता का विरोध कीजिए, न कि आप साहित्य अकादमी जो एक स्वायत्त संस्थान है उसका विरोध कीजिए। आपने साहित्यिक अकादमी के पुरस्कार को लौटाने के बजाय आप सत्ता का विरोध करें, आप उस परिवार की मदद करें जो इस सदमे से गुजर रहे हैं। ये एक बहुत कठोर कार्य था, इसलिए वो मानते थे कि जो साहित्यकार है उसको हमेशा रचनात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, कोई ठोस कार्य उसको करने चाहिए, न कि नकारात्मकता फैलानी चाहिए। तो आज काशी, सॉरी, आज नामवर सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं है आज, लेकिन उनका आज जन्म समारोह है, तो हम लोग यही कर सकते हैं कि उनके कृतित्व, उनके जो भी उनका साहित्यिक योगदान है उसको हम हमेशा याद रखें और उनके उनके आने वाली पीढ़ियां भी उनके इस जो बहुत व्यक्तित्व का जो बहुत बड़ा पहलू था जो उन्होंने हिंदी साहित्य की आलोचना के छह माध्यम से जो सेवा की उसको हम हमेशा याद रखें। नमस्कार, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। नमस्कार, मैं रेणु सिंह, नारायणी साहित्य अकादमी नामवर जी की संस्था का हिस्सा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और आज मुझे इस अवसर दिया गया है कि मैं उनकी जन्मदिन के अवसर पर भावांजलि अर्पित करूँ। मुझे इतना भावातिरेक हो रहा है कि मैं कैसे कह पाऊँगी उस प्रकाश स्तंभ को, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा, लेकिन फिर भी मुझे ये अवसर मिला है तो मुझे इसका उपयोग तो करना ही है। तो सबसे पहली बात तो उनका जो एक आलोचक का पक्ष सभी में था कि नामवर जी आलोचक है, जो एक रुक्ष विधा है, और रुक्ष विधा होने के कारण, और सबसे पहली बात जो फलक उन्होंने बनाया इतना विस्तृत फलक, तो आलोचक और आलोचना का ही मेन मुख्य पटल पर आच्छादित रहा। लेकिन उनका जो कवि का रूप था, जो छायावादी कवि उनके भीतर सुंदरता से उन्होंने रचा है, वो कहीं पीछे नेपथ्य में चला गया। तो आज मैं अपनी भावांजलि के रूप में उनकी कुछ कविताएं यहाँ पढ़ना चाहूँगी। और क्योंकि मुझे लगता है कि जो नेपथ्य में है उसे भी सामने आना बहुत आवश्यक है। उसे उतनी प्रमुखता नहीं दी गई, लेकिन बहुत सुंदर कविताएं हैं और उसे ये भी लगता है उनके भीतर कितना सरस कवि था। तो मैं जो उनकी नवगीत है उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। कभी जब याद आ जाती, नैन को घेर लेते घन, स्वयं में रह न पाता मैं, लहर से मुख अधरों पर व्यथा बनती मधुर सहरन, न दुख मिलता न सुख मिलता, न जाने प्राण क्या पाते, तुम्हारा प्यार बन सावन, बरसता याद के रसकन, कि पाकर मोतियों का धन, उमड़ पड़ते मैं निर्धन, विरह की घाटियों में भी मिलन के मेघ मडराते, झुका सा प्राण का अंबर, स्वयं ही सिंधु बन बन कर, हृदय की रिक्तता भरता, उठा शत कल्पना जलधर, हृदय से रिक्त रह जाता, नयन घट किंतु भर जाते। कभी जब याद, इनका एक दूसरा नवगीत है छायावाद का सुंदर गीत। हरित फव्वारों सरीखे धर, हाशिए से विंध्यमालाएं, नम्र कंधों पर झुके तुम प्राण, सप्त पाणी केश फैलाए, ज्योत का जल पोछती सी छा, धूप में रह रह कर उभर आए, स्वप्न के चिथड़े नयन कर, आ इस तरह क्यों पूछते जाए। तो
इससे ये लगता है कि जो ये रुक्ष आलोचक का रूप उनका सामने आता है उसके भीतर कितना सुंदर कवि है। और एक और उनकी कविता है, नहीं बीतती सांझ, नहीं बीतती, नहीं बीतती, नहीं बीतती सांझ, ढलता ढलता दिन, दृघ के कोरों से ढुलक न पाया, मुक्त कुंतले व्योम मौन मुझ पर तुम साही छाया, मन में निज है किंतु नयन से नहीं बीतती सांझ, नहीं बीतती, नहीं बीतती, नहीं बीतती सांझ। धन्यवाद आप सभी को और बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन, श्रद्धांजलि मेरी बार बार। तो मित्रों आपने सुना, अभी जो बाइट सुनी है सच्चनादन जोशी जी की सुनी, डॉक्टर रजनी अग्रवाल जी की सुनी जो बनारस से हैं, और डॉक्टर कुसुम जोशी को आपने उत्तराखंड से सुना, और इसी के साथ आपने सुना डॉक्टर रेणु सिंह बिसेन जी को। तो फिर से हम नारायणी साहित्य अकादमी के कार्यालय में चलते हैं और वहाँ भी जो लोग उपस्थित हैं उनको भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। तो मेरी टेक्निकल टीम जो है वो कार्यालय में जोड़े। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मेरे जो थोड़ा सा प्रकाश उतना नहीं है, अगर मैं सही पहचान पा रहा हूँ तो श्री जगदीश मीणा उपस्थित हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो वरिष्ठ कवि हैं, और उनसे नामवर सिंह के बारे में वो जो भी कहें या कोई छोटी कविता सुनाना चाहें जैसा भी उनका मन हो, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जी प्रोफेसर नामवर सिंह जी, थोड़ा सा जगदीश मीणा जी थोड़ा सा जोर से बोलिए, थोड़ी आवाज आपकी कम सुनाई पड़ रही है। प्रोफेसर नामवर सिंह के जन्मदिन पर अध्यक्ष बिसेन जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ऐसे काल में भी उन्होंने व्यवस्था की कि भाई जो है जन्मदिन पर पुष्पहार पुष्पमाला चढ़ाई जाए। तो कुछ लोग हम एकत्रित हुए और आगे मैं यही कहना चाहूंगा कि नामवर सिंह जी से हमारा ज्यादा परिचय तो नहीं है क्योंकि मैं साहित्य में नया हूं, मगर जितना भी मैं जानता हूं मैं चाहूंगा कि साहित्य में चलते हुए उनके पदचिन्हों पर अगर हम चलेंगे तो भी साहित्य में बहुत कुछ कर पाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहूंगा, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जगदीश मीणा जी, हमारे साथ वरिष्ठ कवि हमारे साथ उपस्थित थे। और इसी के साथ में मैं कार्यालय में नीलम जीना जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। नीलम जीना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं जगदीश मीणा जी की बात चाहूंगा कि नीलम जीना जी को आप सुने, वो भी अपने उद्गार प्रोफेसर नामवर सिंह के प्रति वो भी कुछ कहना चाहती हैं, और वो आए और अपनी जो भी कुछ कहें नामवर जी के बारे में। उन्होंने आलोचना की, आलोचना उनके मुकाबले में कोई नहीं कर सकता जिस तरह की आलोचना वो करते थे। मेरा उनसे संबंध जेएनयू के समय में हुआ था जब वहां पढ़ाना शुरू किया, तो 2-3 बार मेरी मुलाकात हुई उनसे, ज्यादा मुलाकात नहीं हुई। मैं साहित्यकार नहीं हूँ, पेशे से मैं पत्रकार हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती और बोलना भी नहीं, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं उनके लिए कुछ बोल सकूं। तो मेरी एक छोटी सी श्रद्धांजलि है उनको कि उनके जैसा जो लेखन है, आलोचनात्मक जो लेखन कार्य उन्होंने किया, उसका जो गैप इस समय आया है, जो रिक्तता आई है, वो कोई नहीं भर सकता। और उनके ऐसा भी फिलहाल कोई हो भी नहीं सकता,
और मैं इससे ज्यादा और कुछ बोलना नहीं चाहती। नमस्कार। और कार्यालय में कई लोग उपस्थित हैं, मैं एक नाम और आपके सामने उतारना चाहता हूं कि वो अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वो भी अपने जो शब्द सुमन जो है वो अर्पित करें। अगर कामनी श्रीवास्तव जो कवयित्री हैं, अगर वो हमारे बीच उपस्थित हैं, जो नारायणी साहित्य अकादमी की सदस्य हैं, वो भी अपने विचार प्रकट करें। कामनी श्रीवास्तव कवयित्री, और अगर जी कामनी जी उपस्थित नहीं है, आप सीधे धीरेन्द्र जी को आमंत्रित करिए। जी मैं धीरेन्द्र जी कामनी श्रीवास्तव तिवारी जी आजाद जी को, जो हमारे नारायणी साहित्य अकादमी के एक सदस्य हैं, वो आए और अपने विचार जो भी कुछ प्रोफेसर नामवर सिंह जी के बारे में वो कहना चाहते हैं वो अपने विचार रखें। मित्रों, ये कोरोना काल है, थोड़ी सी तकनीकी असुविधा जरूर हो सकती है, लेकिन अगर हम सही, अगर इस तरह का काल नहीं होता, कोरोना काल नहीं होता, तो हम हर वर्ष एक बहुत बड़ा कार्यक्रम डॉक्टर नामवर सिंह जी के को समर्पित करके करते हैं। इस बार हमारा और मन था कि हम एक बड़े ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम रखते, लेकिन जैसा समय होता है और वैसा ही करना पड़ता है। और धीरेन्द्र तिवारी जी आजाद, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने बात रखें। धीरेन्द्र तिवारी जी, धीरेन्द्र जी नमस्कार, और आपका स्वागत है। आप जो भी कुछ प्रोफेसर नामवर सिंह के बारे में कहना चाहते हैं। मैं नामवर सिंह जी के बारे में कहना चाहूंगा, बहुत ही दिल से जुड़े हुए हैं, वो शख्सियत हैं। जब वो उनके मतलब आखिरी दिनों के कार्यकाल मतलब काल में जो है मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं बचपन से मतलब जब से अपनी शिक्षा के समय से ही सिर्फ उनका नाम सुनता था, और उनके आखिरी दिनों में मुझे उनसे साक्षात मतलब जो है मिलने का मौका मिला, और मैं कहना चाहूंगा कि वो मेरे जीवन के बहुत ही अमूल्य पल थे। वैचारिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ उनसे, क्योंकि उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा मतलब साथ सेम ही है, तो मेरे को उनसे बात करने का मौका मिला, जानने का मौका मिला अपने संगठन के बारे में। वो इतने सहज थे, मतलब इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद और इतने सरल और इतने मतलब सहज थे कि लगा ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत के पास हूँ। मेरे प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया और मुझे जो है मतलब बच्चे की तरह समझाया, और वो मेरे लिए बहुत अमूल्य पल है। आज के दिन वो हमारे बीच नहीं है, आज उनके जयंती समारोह पे मैं जो है अपने संगठन नारायण साहित्य अकादमी अचीवर जंक्शन के इस प्रोग्राम में उनको श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो नमस्कार मित्रों, फिर से जो है हम आपके बीच लौटे हैं, और जो मेरे मित्र नए जुड़े हैं उनको मैं उनके लिए प्रणाम किया है, जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो उनका तो स्वागत है ही, जो नए जुड़े हैं उनको नमस्कार है। और फिर से हम अपने अचीवर्स जंक्शन के स्टूडियो में चलते हैं, और हम नामवर सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ जो और बाइट्स जो है उनको देखना चाहेंगे। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो एक दो बाइट्स में चाहूंगा कि और चलाएं। जी नमस्कार, मैं सविता चड्ढा हूँ, और नामवर सिंह जी को याद करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत मुश्किल होता है जब कोई व्यक्ति चला जाता है और उसके बारे में हम कुछ बात करें, लेकिन ये परंपरा है
जो श्रेष्ठ व्यक्ति, जो श्रेष्ठ महानुभाव इस दुनिया से चले जाते हैं बहुत अच्छे काम करके, हम उन्हें उनके कामों के जरिए, उनके कामों को याद करते हुए हम उन्हें याद करते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। नामवर सिंह जी का जब मैं बात करना चाहती हूँ तो मैं एक बात की ओर आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहती हूँ। बहुत बड़े मंचों पर नामवर जी रहे, बहुत बड़े बड़े काम किए, आलोचना, साहित्य, लेखन, आप सब जानते हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत साहित्य के क्षेत्र में, एक बहुत बड़ा नाम। लेकिन जो बात की तरफ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार हमारे एक पत्रकार मित्र ने अपनी किताब का लोकार्पण करना था और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। तो जब मैं उन्हें कहा कि मैं आऊंगी और मुझे पता चला कि नामवर जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, मैं पहुंची वहां और आप हैरान होंगे, वह मंडी हाउस के एक स्कूल में था प्रोग्राम, एक छोटे से कमरे में, इसमें बहुत ज्यादा प्रकाश भी नहीं था, मुश्किल से 10-15 लोग उस कार्यक्रम में रहे होंगे। नामवर जी इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित थे, शायद अध्यक्षता या मुख्य अतिथि के रूप में। तो मैंने घर आकर बहुत विचार किया कि ऐसे व्यक्ति के मन में मेरे प्रति तभी श्रद्धा उत्पन्न हुई कि वह केवल बड़े बड़े मंचों पर, बहुत बड़े बड़े सभागारों में नहीं जाते, अगर उन्हें कोई प्यार से बुलाता है तो वे कहीं भी जा सकते हैं। उस कार्यक्रम में जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी हाल ही में जब मैं पुष्पा सिंह बिसेन जी से मिली, जिन्हें मैं उनकी साहित्यिक पुत्री कह सकती हूँ, नामवर जी को जीवित रखने में, जीवित तो खैर वे रहेंगे ही, लेकिन उनको याद करने में, उनकी श्रद्धांजलि, उनकी सभाएं, उनके बारे में काव्य गोष्ठियां आयोजित करने में पुष्पा सिंह बिसेन जी बहुत काम कर रही हैं। मैं ऐसे लोगों का भी सम्मान करती हूँ जो निस्वार्थ किसी को याद करते हैं। और आज उन्होंने जब मुझे कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं नामवर जी के बारे में बहुत कुछ कह सकती हूँ, हमारे बहुत सारे लोग और भी बात करेंगे। मैंने उन्हें बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन उनकी एक कविता मैं आपके सामने रखने की इजाजत चाहती हूँ। आप सुनिए उनकी ये कविता। दिन बीता पर नहीं बीतती, नहीं बीतती सांझ। दिन बीता पर नहीं बीतती, नहीं बीतती सांझ। नहीं बीतती, नहीं बीतती, नहीं बीतती सांझ। ढलता ढलता दिन दृग की कोरों से ढुलक न पाया। ढलता ढलता दिन दृग की कोरों से ढुलक न पाया। मुक्त कुंतले व्योम मोन मुझ पर तुम सा ही छाया। व्योम मोन मुझ पर तुम सा ही छाया। मन में निशी है, मन में निशी है, किंतु नयन से नहीं बीतती सांझ। दिन बीता पर नहीं बीतती, नहीं बीतती सांझ। आप सबने उन्हें बहुत आलोचना, कहानी, उपन्यास बहुत लिखा और बहुत शिक्षित किया। उन्होंने हमारे पूरे समाज को, साहित्य को बहुत कुछ दिया है। मैं आज उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे थे सविता चड्ढा जी को, जो नामवर सिंह जी के बारे में अपने विचार प्रकट कर रही थी। उन्होंने कविता भी सुनाई। तो मित्रों, लेकिन अब बढ़ते हैं इस हमारे जिस कार्यक्रम के तीन चरण है, मैंने बताया आपको, हमने एक व्याख्यान माला रखी थी और काव्य पाठ और डॉक्यूमेंट्री। अब हम उनका जो है जीवन का लगभग सबसे बाद का इंटरव्यू, जो अचीवर्स जंक्शन के निदेशक श्री मनोज भावुक ने उसको किया था, और वो इंटरव्यू, वो साक्षात्कार अनूठा है। जीवन की आखिरी दहलीज पर उन्होंने, मनोज भावुक जी ने उस इंटरव्यू को किया था। तो दर्शकों, जीवन के उन लम्हों को देखते हैं कि जीवन के आखिरी पड़ाव पर डॉक्टर नामवर सिंह कितने जीवंत नजर आते हैं और उन्होंने कितनी बेबाकी से मनोज भावुक जी के प्रश्नों का उत्तर दिया। तो आइए उस इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे मनोज भावुक जी ने लिया था।
नमस्कार, मैं हूं मनोज भाऊ। देश दुनिया के सफल लोगों की कहानी वाले स्वागत है। हम आपकी पूरी यात्रा को समझना चाहते हैं, नई पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसे व्यक्तित्व का रख दिया है। कुछ दिनों बाद मर गई तो लोगों ने कहा कि देखो, नाम रखा, इस नाम को बदलना मत। जी पिताजी मेरा नाम राम जी रखना चाहते थे। बाद में उन्होंने मेरे दूसरे भाई का नाम राम जी रखा। तो राम जी राम, लेकिन वो बुढ़िया जो आई उसने कहा नाम वर रही और मर गई। फिर वो चवाई थी आई थी, तो मेरे नाम का तो ये नमस्कार, मैं हूं मनोज भाऊ। देश दुनिया के सफल लोगों की कहानी वाले बेहद खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं इस दौर के सबसे बड़े साहित्यकार
और हिंदी साहित्य के समालोचक श्री नामवर सिंह। नामवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। हम आपकी पूरी यात्रा को समझना चाहते हैं, नई पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, कि आप जैसे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। और मुझे पता है कि आने वाले युग का नाम नामवर युग होगा, इतना आपने साहित्य को दिया है। तो आपका घर में नाम बचपन से नामवर था या कुछ और कह के पुकार? नामवर नाम ही था। अच्छा जी। और ये नाम हमारे एक बूढ़े आदमी आया होगा कि इनका क्या नाम रही, तो इन्हें का नाम का इन नामवर हुए हैं। अरे वाह। तो वो एक जो दलित है उसके मुंह से मेरा नाम नामवर निकला, तो लोगों ने कहा कि कोई नाम है, तो उसने कहा हमने तो रख दिया है। कुछ दिनों बाद मर गई तो लोगों ने कहा कि देखो नाम रखा, इस नाम को बदलना मत। जी। पिताजी मेरा नाम राम जी रखना चाहते थे, बाद में उन्होंने मेरे दूसरे भाई का नाम राम जी रखा। तो राम जी राम भक्त थे, लेकिन वो बुढ़िया जो आई उसने कहा ना इनका नाम तो नामवर रही, और मर गई फिर वो चवाई थी आई थी। तो मेरे नाम का तो ये कुंजी है। आपने जो पहली कविता लिखी, पहली कविता वो कौन सी थी? पहली कविता जो मैं बता रहा हूँ जी, चूंकि सौरिया होता था, कवित्व तो होता था आमतौर से, तो लड़ाई का जमाना था जी। मैंने डिप्टी साहब आए थे, उनके कहा कि सुनाओ कुछ, तुम तो खुद लिखते हो। तो मैंने लिखा पहली कविता कि चढ़े हो बरतानिया पर हिटलर पुनीत, तो वैसे पुनीत मेरा नाम था, चढ़े हो बरतानिया पर हिटलर पुनीत, तो वैसे जैसे गहलंक पे पवन सुत कूद गो। वाह 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 वाह। जैसे गहलंक पर पवन सुत कूद गो हनुमान, चढ़े बरतानिया पर हिटलर पुनीत, तो वैसे जैसे गहलंक पर पवन सुत कूद गो। तो ये मैंने पढ़कर सुनाई थी, और हमारे प्रिंसिपल राजपूत थे, बड़े प्रसन्न हुए। तो अपनी ओर से उन्होंने 100 रुपए मुझको पुरस्कार दिए। वो पहला पुरस्कार था जो हमारे स्कूल कॉलेज ने दिया था जी, जो मुझे याद है। उसके आगे की पढ़ाई? आगे की पढ़ाई जब शुरू हुई तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई, तो हाई स्कूल तो खत्म हो चुकी थी, इंटर की पढ़ाई बीए और एमए करना था। तो शहर के एक छोर पर तो उदय प्रताप कॉलेज था, और शहर के बिल्कुल दूसरे छोर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी। तो मैं एक छोर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बीए में इंटर कर चुका था, तो बीए में मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आर्ट्स कॉलेज में तय किया था कि मैं हिंदी में ही एमए करूंगा, अब मेरी शिक्षा का माध्यम हिंदी रहेगा। तो ये पहले से डिसाइडेड था, आपने तय कर ही लिया था कि हिंदी में ही करना, कभी भटकाव की स्थिति नहीं आई ना। वहाँ छात्र जीवन में जो आपको साहित्य के लिए बाहर से खुराक मिला, किन किन साहित्यकारों से संपर्क हुआ और कैसे आप आगे बढ़ते रहे साहित्य लेखन में? काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग, जिसकी स्थापना श्याम सुंदर दास, जो नागर पिचाणी सभा के संस्थापक, सबसे बड़ी बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के सबसे बड़े आलोचक और साहित्यकार, बनारस के रहने वाले। तो वहाँ आर्ट्स कॉलेज था, कला संकाय होता था, तो उसके पहले
संस्थापक नागरी पिचाणी सभा के संस्थापक श्याम सुंदर दास थे और दूसरे अध्यापक थे रामचंद्र शुक्ल, तीसरे थे पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये रीति काल के सबसे बड़े विद्वान ये लोग थे। एक श्री कृष्ण लाल थे, वो इलाहाबाद से आए हुए थे। तो मैंने प्रवेश लिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और हॉस्टल में कुछ खर्चा ज्यादा पड़ता था, हॉस्टल के बाहर कुछ अलग गेस्ट हाउसेस थे, तो मैं शुरू में हॉस्टल में नहीं गया क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो गोविंद लाज में मैं था, गोविंद जी के नाम पर, क्योंकि वो मालवीय परिवार के थे गोविंद जी, तो उनके नाम पर, या पता नहीं गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रहा होगा, तो गोविंद राज कहलाता था, मैं उसमें रहता था और छात्रावास में हमारा काम चल जाता था। पिताजी थोड़े हमको स्कॉलरशिप मिलने लगी थी, पढ़ने लगा था, तो गोविंद राज में मैं पढ़ता था। बहुत बाद में जब नौकरी हमारी लगी तब हॉस्टल में रहने का के लिए खर्च हो सबको, फिर क्योंकि हमको फेलोशिप मिलने लगी थी। कब लगी नौकरी आपकी? नौकरी मेरी लगी 1952-53 में, 53 के पहले जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय आजादी की लड़ाई भी चल रही थी, 1947 में देश आजाद हुआ, तो आपकी जो रचनाएं थी, जो आप कविता लिखते थे, वो देशभक्ति की कविताएं थी या श्रृंगार, क्या कंटेंट क्या होता? श्रृंगार के थी ही नहीं, मैं उस समय लड़ाई का जमाना था जी, तो इसलिए वीर रस की कविताएं लिखा करता था और खड़ी बोली में कवित्व लिखता था मैं आरंभिक दिनों में। कोई कविता जो आपने आजादी के लिए देशभक्ति में कोई की कविता कोई जो आपने लिखी हो उन दिनों? उसमें कोई कविता का अपने पाठ्यक्रम में दिया होगा, अपने हमारे संकलनों में आया है जी जी, लेकिन एक जो मैंने कहा ना कि चेहरे बरतानिया पर हिटलर पुनीत हो ऐसे जैसे गलंक पर कौन से कोई हो, तो उन दिनों अंग्रेज हमारे दुश्मन थे यहाँ, तो लोगों ने बल्कि मना किया कि तुम जर्मनी की तारीफ कर रहे हो अंग्रेजी के खिलाफ, नाराज होंगे, लेकिन हम लोगों के लिए इंग्लैंड का हारना ही ज्यादा अच्छा था क्योंकि हमें आजादी मिल जाएगी। तो इसलिए मैं हिटलर की तारीफ कर रहा था, लोगों ने यार सरकार सुनेगी तो तुमको पकड़ जाओगे, इस सुनाया मत करो, लेकिन मुझे लगता था कि हिटलर तो हमारे बचाने वाला मुक्त करने वाला है, तो उस जगह अपनी समझ जो बनी थी वो लिखा, जैसे उन्होंने कहा कि सुनाना मत, आने वाले हैं साहब डिप्टी साहब, उनके सामने मैं सुनाई करता रहता हूं, तो ये मिजाज था, ये समझ थी हमारी। लेकिन कविता लिखने लगा था मैं जब स्कूल था तभी से। आप आंदोलन में भाग नहीं लिया आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस आजादी की लड़ाई में? देखिए ऐसा था कि मैं खादी पहनने लगा था बचपन से जी, क्योंकि कामता प्रसाद विद्यार्थी स्वयं पढ़े लिखे आदमी थे, गांधी भक्त थे, खादी पहनते थे। मैं इत्तेफाक से बता दूं कि मैं बचपन से ही खादी पहनने लग गया था विद्यार्थी के कारण, उनके घर जाता था, अखबार आता था, वो कानपुर के से पत्रिका आती थी, वो गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, तो उसके कारण वो गणेश शंकर विद्यार्थी के भक्त थे। तो इस नाते मेरे मन में आजादी की लड़ाई की ओर और विद्यार्थी जी की ओर से ये संस्कार हमको मिल गया था,
और वो संस्कार आमतौर से प्रो कांग्रेस था। प्रो कांग्रेस में थोड़ा आगे चल करके मैं चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ बढ़ा, तो और वो भी इसलिए कि हिटलर और हेसर मैंने जो कविता लिखी कि चाहे बर्तानिया पर हिटलर पुनीत वैसे जैसे पर गठबंधन पर कौन से कुछ, तो उससे इंग्लैंड का हारना मुझे वो खुशी हुई थी। बाद में जब अकाली समझ आई तब समझा कि हमारी गलत राजनीति थी। चलिए, आपको नौकरी भी मिली 53 के आसपास, तब तक आपकी शादी हो चुकी होगी? हाँ, शादी मेरी हुई थी और मैं चाहता नहीं तो घर से चला गया था। मैं तय किया था कि मैं पूरी पढ़ाई करके करूंगा। कितने साल, किस क्लास में आपकी शादी हुई? मेरी शादी हाई स्कूल कर रहे थे क्योंकि पिताजी बीमार हुए, लगा कि बचेंगे नहीं, और सबसे बड़ा लड़का मैं यही था घर में, तो पिताजी ने कहा कि कम से कम, बल्कि माँ मेरे पक्ष में नहीं थी, उनके पक्ष में नहीं थी, उन्होंने कहा कि लड़के को पढ़ाओ, अभी तुम भी मास्टर हो, इसको पढ़ा रहे हो, इसकी शादी अभी क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ नियम है, बहू को वो घर नहीं पिलाएंगे, महीने भर रखेंगे और महीने दो साल दो साल के बाद ले आएंगे। तो इस आधार पर पिताजी ने माँ की बात मान ली। वैवाहिक जीवन कैसा रहा आपको? बहुत अच्छा रहा, यानी समझिए कि बहुत अच्छा बेटा मिला, जो चाहता था मैंने पढ़ाया, और मेरी इच्छा के अनुसार, क्योंकि उस समय चाहता था कि इंजीनियर बने। वो रूस से मेरे बड़े अच्छे संबंध लेफ्ट के हम लोग थे, तो उसमें बड़ी सुविधा होती थी, तो मैंने यहाँ मैं प्रेसिडेंट था रशियन सोसाइटी का, इंडो सोवियत सोसाइटी का, तो मैंने जूरी दे दी, अपने बेटे को मास्को भेज दिया, तो मास्को पढ़ करके वो आया इंजीनियर होकर के। कभी मैं, मेरे पास पैसा ही इतना नहीं था कि मैं बनारस यूनिवर्सिटी में इंजीनियर बन रहा था, तो इस बेटे को मैंने पढ़ाया, इंजीनियर होकर के आ गया, और वो यहाँ आने के बाद उसको इंडियन एयरलाइंस में उसको नौकरी मिल गई। और बेटी? हाँ, बेटी, और बेटी बेटे के लगभग 5 साल बाद या 7 साल बाद मेरी बेटी हुई। माँ ने कहा कि देखो बेटा तो पढ़ करके बहू लेकर के चला जाएगा, लेकिन मैं किसी भी लड़की की शादी जब तक ना करूं तो मुझे तो सर मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए मुझे एक बेटी चाहिए। संयोग ऐसा हुआ क्योंकि मेरी बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी, तो बेटा तो इंजीनियर हो गया और बेटी जो थी वो मैंने पढ़ाया उसको अपने साथ, और इत्तेफाक से संयोग से दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको नौकरी मिल गई, पढ़ाई उसने पूरी की। बेटा इंजीनियर हुआ था, तो मैंने कहा कि बेटी तो कम से कम हिंदी पढ़े, तो बेटी को मैंने जानबूझ के हिंदी पढ़ाया कि मेरा लिखा हुआ बेटी पढ़े, लेके चले आगे। तो फिर मैंने बेटी को अपने साथ ले आया, जेएनयू में रहता था यहाँ। आप कवि थे, आलोचक कैसे बन गए? अब हो गया, मुझे लगा कि कविता में जिन लोग जो मेरे आदर्श हैं वैसी कविताएं, मैं कविता लिखूं, मेरी कविताएं भी छपी है जी, लेकिन
मेरा अपना क्षेत्र जो है और जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आलोचना की बहुत का बुरा हाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा आलोचक हुआ, हजार प्रसाद त्रिवेदी जैसा आलोचक हुआ, तो उसके बाद कोई आलोचक दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये क्लास नोट्स लिखने वाले लोग हैं, मास्टर लोग जो है फिर डिग्री के लिए लिखा करते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे आलोचना में कुछ ऐसा करके जाना चाहिए, कुछ ऐसी स्थापनाएं मान्यताएं और मूल्यांकन हो। तो मैंने जानबूझ करके आलोचना के क्षेत्र लिए। ये सब सुनने के बाद, मतलब इसके गहराई में जो विद्वान है अलग अर्थ बताएंगे, लेकिन आम आदमी से पूछिए तो कहेंगे अरे आलोचना कर रहे हैं, और आलोचना करना मतलब झगड़ा करना, झगड़ा बिल्कुल। और आलोचक कई लोगों के निगाह में चढ़ा रहता है, आलोचक है तो आपने बहुत सारे दुश्मन बनाए होंगे, या कैसा, मतलब जब आप आलोचक के रूप में आगे बढ़ रहे थे तो जो साहित्य का केंद्र था उसमें लोग किस नजर से आपको देखना शुरू किए थे, दुश्मन बनते गए या बहुत शांतिपूर्वक आपको स्वीकार किए कि नहीं ठीक नामवर जी जो कह रहे हैं वो सही है, वो सत्य है। देखिए हिंदी में जब आलोचकों का नाम लिया जाता है तो जाहिर है कि रामचंद्र शुक्ल सबसे ऊपर है। उसके बाद कोई हो तो रामचंद्र शुक्ल के बाद रामविलास शर्मा है, दो राय इसमें हो नहीं सकती। तीसरे जो है वो लंबी भीड़ है, लोगों का ख्याल है शायद कि तीसरा नाम अगर होगा तो नाम सिंह का होगा, निसंदेह। तो निसंदेह है, इसलिए मैंने कहा कि आलोचना में चूंकि गुंजाइश है और जरूरत है कोई मौलिक काम करने की, बाकी लोग तो लिख पीट रहे हैं, तो इसलिए मैंने आलोचना को समझा कि इसी के लिए मैं कंडेम्ड हूं। आपकी अगर आलोचना को समझाना हो तो आपके आपके हिसाब से आलोचना है क्या? देखिए एक बात तो ये कि आलोचक का के लिए संस्कृत का पुराना नाम है सहृदय। सहृदय, सहृदय, सहृदय का मतलब समान हृदय भी है और हृदय वाला बा। समान हृदय हो जिसके कार्य है तो पैरेलल चलने की, मतलब जो लेखक है और जो आलोचक है दोनों पैरेलल चले, पैरेलल उसके दिल से दिल मिले। हाँ, तो इसलिए पैरेलल चलने की क्षमता हो, समान हृदय वाला हो बाबा, तो वह पैरेलल चलने की क्षमता जहाँ हो, इसीलिए संस्कृत में सहृदय कहते हैं, समान हृदय वाला। हमारे यहाँ पुराना शब्द सहृदय है, संस्कृत का यही शब्द है। तो मैंने तय किया था कि मैं कविता तो अच्छी, ज्यादा लोग लिख रहे हैं वैसी कविता मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो बेहतर है कि हे मन यही दूसरा रास्ता ठीक है, जो संभव है तुम्हारे लिए वही चलो, तो इसलिए मैं आलोचक करना तय किया। अच्छा आपने तो बड़ी अच्छी बात कही कि समान हृदय या दिल वाला, माने लेखक की रचना का मूल्यांकन दिल से करे, किसी ढंग के पूर्वाग्रह से होकर नहीं करे और उसके विकास के लिए करे, अगर खामी भी बता रहा है तो उसमें उसका ये नहीं था। हाँ, बेहतरी के लिए करे, समान हृदय हो। लेकिन अभी ये चला है, आप भी देख रहे होंगे इस समय को, कि तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें प्रसाद कहूं, तुम मेरी पीठ थपथपाओ मैं तुम्हारी पीठ थपथपाओ, ये जो गुटबंदी गुलबाजी हुई है क्या कहेंगे आप? ये कहना चाहिए कि ये मानवीय गुण दोष है। साहित्य के क्षेत्र में समाज में ऐसा होता रहता है, ये राग द्वेष जो है व्यक्तिगत, आप इससे मुक्त हो नहीं सकते। कोशिश करें आप और करते रहें और बचें, क्योंकि ये दोष है, ये गुण नहीं है। हम आपकी यात्रा को बनारस में छोड़ाए थे जब आपने नौकरी पहली पकड़ी, कब तक आप बनारस में रहे और बनारस से
आगे की यात्रा? देखिए, पढ़ाई से लेकर के 51-52 तक जब मैंने शिक्षा पूरी कर ली तो लगभग 5-7 साल नौकरी की, वही विश्वविद्यालय में जिसने मैंने पढ़ा था वही पढ़ाया भी। वो जो सफर था आपका वहां अध्यापन का, वो कैसा था? आपके खिलाफ वहां भी मोर्चा, क्योंकि शुरू से? बिल्कुल नहीं, मैं सबसे पॉपुलर, मेरे क्लासरूम में दूसरे क्लास से लड़के आते थे पढ़ने के लिए, भीड़ लगती थी और प्रिंसिपल घर से गुजरते थे तो उन्होंने कहा कि कौन है, तो वो कहते थे मस्ट बी स्पीकिंग समथिंग पॉपुलर। बनारस के बाद अब जोधपुर चले गए? जोधपुर चला गया। वहां कितने साल काम किए? जोधपुर 3 साल। कैसा रहा अनुभव जोधपुर का? लोग, मैं बाहर से गया हुआ था और वहां के लोग पहले से ही काम कर रहे थे जी। स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज था तो हमारे विरोधी थे कि ये प्रोफेसर हेड होकर के आ गया। अच्छा। मैं सीधी, और बीबी जान जैसे आदमी ने जो के राइट थे, वो मार्क्सिस्ट थे भी नहीं, उन्होंने हमको ऑफर देकर बुलाया था और छोटा सा जहाज जाता था, उन्होंने कहा कि टिकट भेज रहा इसी से आइएगा। तो जोधपुर में गया मैं, लोकल लोग जो वहां के रहने वाले थे उनको बड़ा नागवार मालूम हुआ कि बाहर का आदमी आया, लेकिन चूंकि वाइस चांसलर खुद चाहता है तो लोगों को हिम्मत नहीं पड़ी। विरोध के बावजूद वहां पर सफलता से आपका अध्यापन काम चला अच्छी तरह से। जोधपुर के बाद आप सागर यूनिवर्सिटी में भी गए, मध्य प्रदेश सागर कॉलेज जोधपुर से बहुत पहले, से पहले ही सागर में थे एमपी में। जब जवाहरलाल पीएचयू से हटाया गया था तब मैं सागर गया। वहां का अनुभव कैसा रहा आपके नाम पर? मुझे ऑफर देकर के जी सागर का बुलाया गया था और खुद वाइस चांसलर जो थे वो हमारे खिलाफ थे। वाइस चांसलर ने ऑफर देकर के बुलाया था और जो है पहले से प्रोफेसर बने हुए थे वो, मैं मार्क्सिस्ट था, वो नॉन मार्क्सिस्ट एंटी मार्क्सिस्ट थे, तो उन्होंने नंदलाल वाजपेयी थे उन्होंने विरोध किया था हमारा, तो साल भर रहा इसके बाद आपके खिलाफ हम मुहिम चला दिया था। हाँ हाँ, कई तरह के जो है विरोध का स्वर उभरा, कई तरह से आरोप लगाए गए। हाँ हाँ, वो उन्होंने इंटेलिजेंस को लगा रखा था, कह रहे थे तो कम्युनिस्टों से मिलते कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाते, तो जिसको कहें बड़े पापा बेटे हैं। यानी जिंदगी इतनी आसान सीधी नहीं रही है, निर्बाध नहीं रही है जी। और बनारस यूनिवर्सिटी, सागर, जोधपुर जी, एक जेएनयू को छोड़कर जिस जेएनयू को के साथ मेरी आइडेंटिटी है, हमने शुरू की है यूनिवर्सिटी, वहां का अनुभव जानना चाहूंगा बड़े संक्षेप में। जेएनयू का अनुभव कैसा रहा? देखिए, जेएनयू एक यूनिवर्सिटी, डॉक्टर नाग चौधरी, बीबी नाग चौधरी, इनके पिता नाग जो थे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर थे और प्रिंसिपल थे आर्ट्स के, तो बीबी नाग चौधरी मुझे जानते थे बनारस से और यही बनारस के रहने वाले थे। नाग उनके पिता के और नाग लिखते थे, बीबी नाग चौधरी। तो यूनिवर्सिटी नहीं खुली, मैंने अप्लाई थोड़ी किया था, तो मुझे ऑफर दे करके बीबी नाग चौधरी का टेलीग्राम आया, क्योंकि हमको आगरा में नौकरी मिल गई थी डायरेक्टर की जी, ज्वाइन भी कर दिया था मैंने, कहा छोड़ो और कम हियर एंड ज्वाइन इमीजिएटली एज अर्ली एज पॉसिबल। तो
मार्क्स और बेबी नाग चौधरी ने ऑफर देकर बुलाया, मैंने अप्लाई तो किया नहीं था। तो यहाँ भी आपके विरोधियों का गुट बना या यहाँ पर सब कुछ स्मूथ चलता रहा जेएनयू में? जेएनयू में हमारे विरोधी विरोधी क्या होते, जेएनयू में डोमिनेट करता था जी। मैं प्रोफेसर बना, हेड था, अपनी टीम बनाई मैंने, सभी लोगों को मैंने नियुक्त किया जी, जिनको चाहा उनको बुलाया। और फिर मैं किन किन लोगों को बुलाया आपने, वहां देख लीजिए पूरी सूची है जी, जी। जिन जिन को कई को बुलाया, किसी को पढ़ा था पढ़ाया था उनको रखा मैंने, खुद अपने यहाँ पढ़ाया उसमें से रखा लोगों को चुन करके, अपने स्टूडेंट को कई अपॉइंट किया मैंने। और सबसे बड़ी ये नया विश्वविद्यालय था हम लोग, और सोचा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को डाउन कर देंगे हम लोग, और कर दिया। तो एक नए ढंग का की यूनिवर्सिटी बने, टीचर टाटर रिलेशनशिप, कम लड़कों को रखेंगे, ज्यादा भीड़ नहीं जमा करेंगे, और अच्छा रिसर्च करवाएंगे तो, और दिखाएंगे। और बना कि जेएनयू आदर्श यूनिवर्सिटी, कम से कम दिल्ली में तो है ही, दिल्ली के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में जेएनयू को जाना जाता है, विश्व को जाना जाता है, और इंटरनेशनल रिप्यूट के लोग हमारे यहाँ आते थे। आपको जो बड़ी बड़ी अकादमियां हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसी संस्था है, उसके उसको आपने लीड किया, बड़ी बड़ी संस्थाओं में जहाँ पुरस्कार जहाँ से मिलते हैं साहित्य के, उसको आप लीड करते हैं, तो क्या आपके ऊपर दबाव बना पुरस्कार को लेकर, लोगों ने दबाव बना हुआ, किस किस ढंग का संघर्ष या चुनौतियां रही आपके सामने इन अकेडमियों से जुड़ने पर? देखिए, ज्ञानपीठ से हमारा संबंध बहुत पुराना है। ज्ञानपीठ छोटी सी संस्था बनारस में थी पहले, दुर्गा कुंड के पास। बाद में ज्ञानपीठ वाले जैन लोग जो हैं, इनकी एक दुकान खुल गई कलकत्ता में, वहां एक शाखा खुल गई है। वो मीटिंग मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उसमें मौजूद था, ज्ञानपीठ का मैं मेंबर बना है जी, सोसाइटी का। तो मुझसे पूछा गया कि पुरस्कार के बारे में, पुरस्कार की पहली कमेटी का मेंबर था ज्ञानपीठ की, और शुरू के जितने कई पुरस्कार दिलवाए हैं मेरे दिलवाए ही हैं। आपके ऊपर पैरवी या दबाव नहीं आते थे कि इनको दिलवाया जाए इनको दिलवाया जाए, कैसे मैनेज करते थे उस पैरवी को, दबाव को? करने नहीं, मेरे मन में क्वालिटी थी, टॉप का आदमी जिसको मैं जानता हूँ उसको मिले। तो इस कमेटी का मैं मेंबर था ज्ञानपीठ की। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू के जो मिले हैं, जो कई पुरस्कार की भूमिका मेरी रही है, अंतिम भी दिलवाया है कृष्णा सोबती को, वो मैंने दिलवाया है। तो ज्ञानपीठ से हमारा संबंध बहुत पुराना है, और जीवन में रहते हुए भी ज्ञानपीठ कमेटी का मैं मेंबर था, एग्जीक्यूटिव का। हम आपके जीवन को समेटते समेटते जेएनयू में आ गए और आपने अवकाश ले लिया। इधर आपके नाम पर एक संस्था है, मतलब जिसके आप संस्थापक हैं, नारायणी साहित्य अकादमी, हाँ, क्या कहेंगे उसके बारे में, क्या सोचकर बनाया गया है उस संस्था को, और उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक तरह से हमारी बेटी है, ये पुष्पा सिंह। हाँ, पुष्पा सिंह जी, और कहाँ गोरखपुर देवरिया, और इसका शुरू से लगाव रहा है। मैं जब बनारस था, बनारस यूनिवर्सिटी में, और गोरखपुर पास था, सीधी हमारे यहाँ से ट्रेन जाती थी गोरखपुर, तो गोरखपुर जाता था, और ये लोग उसके पास रहते थे।
तो इस नाते एक ग्राम गीत जैसी इन चीजों में इसकी दिलचस्पी थी, रुचि थी, तो मैंने कहा कि बेटी है, इनको स्वागत करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए जी। तो इस नाते इसको तब से बढ़ावा देता रहा। और ये नारायणी नाम की संस्था चलाती थी जी, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा काम है, लगी हुई है, बेहतर काम है, इसमें साहित्य की रुचि भी है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको प्रोत्साहन देना चाहिए, मुझसे जो हो सके मैं, तो इस नाते में देता हूँ। अब आप 94-95 साल के हो गए और आप स्वस्थ भी नहीं है, इतनी लंबी बातचीत आपने हमसे की, सिर्फ एक बात अब जानना चाहूंगा कि वो कौन सी टीस रह गई है नामवर सिंह जी को कि ये मुझसे छूट गया, ये मुझसे नहीं हुआ, ऐसा कोई सपना जो अधूरा रह गया? सारी आकांक्षाएं जीवन में पूरी होती नहीं, किसी की नहीं हुई, गांधी जी तक की नहीं हुई, तो और किसकी, बाकी लोग छोड़ो, कौन सा सपना अधूरा रह गया आपका? और कृष्ण के ही सपने नहीं सारे पूरे हुए, तो राम के नहीं पूरे हुए, तो मेरे क्यों पूरे हुए? लेकिन सपने दरअसल ये होते ही है, उनका उनकी खूबी है कि अधूरे रह जाए। चलिए मैं दूसरा सवाल कर लेता हूँ। ईश्वर तक के सपने नहीं पूरे हुए, दुनिया अधूरी पड़ी हुई है, तो हमारे क्या पूरे होंगे? ईश्वर के सपने कुछ होंगे ना कि हम दुनिया वैसी रहेगी बनाएगी, तो जब उनका सपना नहीं पूरा हुआ है तो मेरा काहे को पूरा होगा? इन दिनों अब तो आप रिटायर भी हो गए हैं, घर में रहते हैं, स्वस्थ, क्या रूटीन है, क्या करते हैं, लिखना पढ़ना कुछ चल रहा है या केवल आराम कर रहे हैं? पहली बात तो यह कि पढ़ना बंद नहीं हुआ है, बिना पढ़े मैं, नई से नई चीज आती है, मैं पढ़ रहा हूँ किताबें, नई से नई पढ़ने का एक नमूना है कि आज सवेरे नाम का काम कार्यक्रम टीवी पर चलता था और नई से नई किताब में लेता था, गद्य लेता था, पढ़ लेता था, जो प्रमाण है मेरा कि मैं आज भी नई से नई चीजें पढ़ रहा हूँ, ये प्रमाण है लिखित, कोई ये नहीं कहेगा कि जवानी कह रहे हैं। अब जब अकेले शांत चुपचाप बैठे होते हैं तो बहुत सारी चीजें चलती होंगी दिमाग में, कौन सा पल है जो आपको सबसे अधिक खुशी देता है, कौन सी उपलब्धि है जिस पर आपको सबसे अधिक नाज है और आने वाला समय उसके लिए आपको हमेशा याद करेगा? देखिए, सबसे अच्छा पल होता है अखबार पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता, लाइब्रेरी देख रहे हैं ना जी, ये किताबें सब पढ़ी हुई हैं हमारी, आती हैं, पढ़ता हूँ, कुछ अंश कुछ हूँ, तो अब ये चीज, अब वो उम्र है सब पढ़ लिखूं, लेकिन अब पढ़ लेता हूँ, यही संतोष होता है। और हमारे इस खास सेगमेंट में भाग्यश्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, आगे का सवाल भाग्यश्री करेंगे। यदि आपकी जीवन की कहानी पर कोई सिनेमा बनता है तो उसका शीर्षक क्या होगा? नाम जरूर उसमें होना चाहिए, कहे उसके आगे पीछे कुछ वाक्य बना लो, मतलब नाम और हो आगे पीछे। और वो अभिनेता कौन होगा? जो किरदार होगा, लोग तो चाहेंगे कि हीरो हो, अच्छा हो, मुझे तो एक ही हीरो समझ में आता है आपको लेकर, अमिताभ बच्चन। और लोग आपको कहते भी हैं कि नामवर सिंह हिंदी साहित्य के अमिताभ बच्चन है, और आपकी पर्सनालिटी और लंबाई भी उनसे मैच करती है, मुझे तो वही नाम समझ में आता है। बच्चन जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा, एक तरह से वो हमसे बड़े थे उम्र। बच्चन जी माने हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी। और जब दिल्ली आ रहे थे वो, तो आमतौर से उनके यहाँ जाता था, बच्चन जी के यहाँ, और बहुत मानते थे मुझे बच्चन जी, इलाहाबाद के दिनों से।
मैं बनारस में था और इलाहाबाद। अमिताभ बच्चन छोटे होंगे, वो आते होंगे, छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे जी, अमिताभ मुझसे छोटे थे। तो मैं हरिवंश राय बच्चन, उम्र मुझसे 10 साल बड़े थे जी, और ये अमिताभ वगैरह जो छोटे हैं, तो मैं बच्चन जी को जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे मैं ये, और मैं BHU में था, तो बनारस से इलाहाबाद आते हुए मैं आमतौर से हर हफ्ते नहीं तो 10 दिन में मैं इलाहाबाद आया जाता था। इसलिए बच्चन जी को और अमित को तो मैं छोटे से तब से तो जानता हूँ इन लोगों को। और ये जब अमिताभ चले गए थे बम्बई, तो मैं वहाँ बम्बई, मेरे और भी दोस्त थे, जाता था मैं। तो अमित से मिलने के लिए यानी बच्चन जी के यहाँ मैं जाता था, बच्चन जी यो रहते थे, तो इतनी बार बम्बई गया हूँ बच्चन जी के घर पर, और वहाँ खाना खाया है, सब कुछ। कल मैं एक युवा कवि का इंटरव्यू कर रहा था, कुमार विश्वास का, और उन्होंने एक सवाल आपके लिए भेजा है कि गुरुजी से कहिएगा, वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं तर्पण, तर्पण में जितने बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनकी रचनाओं का पाठ करते हैं। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी की भी कुछ कविताओं का पाठ किया, बहुत अच्छा, और उस पर अमिताभ बच्चन ने ऑब्जेक्शन किया कि आप नहीं कर सकते हैं बिना मेरी अनुमति के, इन्होंने क्षमा मांगा। वो आपकी रचनाओं और कविताओं का भी पाठ करना चाहते हैं और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं इस कार्यक्रम पर जो कुमार विश्वास कर रहे हैं तर्पण, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे खुशी होगी, कुमार विश्वास अगर ऐसा करते हो तो वो नेक और समझदार आदमी है कुमार विश्वास, वो जो करेंगे मैं समझता हूँ वो समझदारी का काम होगा। वो आपकी रचनाओं का भी पाठ करना चाहते हैं? वो जो रुचि करे मुझे विश्वास है उन पर, यानी विश्वास पर विश्वास है। चलिए नामवर जी, आपने का मैं चाय भी नहीं पिला, आपने इतनी लंबी बातचीत की इतना स्वस्थ होने के बावजूद, और शायद ये वीडियो नहीं हो और आने वाले समय में कहे कि हम नामवर जी के पास बैठे थे, उनसे बात किए, उनको छुए, उनका आशीर्वाद लिए, तो भी दुनिया को एक आश्चर्य, जैसे हम कहे कि प्रेमचंद को के पास हम बैठे थे, मुंशी प्रेमचंद के घर गए थे, तो लोगों को विश्वास नहीं होगा वैसे आपका नाम लू, लेकिन ये वीडियो है, हम चाहते थे कि आपकी जर्नी, आपकी यात्रा को हम अपने कैमरे में कैद करिए और युगो युगो तक इस यात्रा से, इस जर्नी से, इस बातचीत से लोगों को लाभ मिले। आपने बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आभार मानता हूँ, कृतज्ञ हूँ। नाम और नाम ही अपने आप में काफी है, और जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि आने वाला युग जो साहित्य का होगा वो नाम और युग के नाम से जाना जाएगा। फिर से आपका स्वागत है दर्शकों को, आपने देखा एक ऐसा साक्षात्कार जो अचीवर्स जंक्शन के निदेशक श्री मनोज भारूक जी ने जीवन के आखिरी पलों में, जो उनके जीवन का मील का पत्थर है और ये आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसके साथ ही फिर कुछ विद्वानों की बाइट हम सुनवाना चाहते हैं कि प्रोफेसर नामवर सिंह के लिए टेक्निकल टीम से निवेदन करता हूं कि वो जो है
है, वाइट अगर मैं सही। नमस्कार, मैं आगरा से डॉक्टर अमी आधार निडर, दिल्ली की नारायणी अकादमी का आजीवन सदस्य, जो कि आचार्य डॉक्टर नामवर सिंह की एक संस्थात्मक कृति है और उनके विचारों, उनके आदर्शों को देश के भावी पीढ़ी के बीच पहुंचाने का काम कर रही है। डॉक्टर नामवर सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, एक नाम नहीं थे, वह वस्तुतः एक संस्था थी। और यदि हम देखें तो आलोचना के संसार का वो माणिक मणि आज भी अपने प्रकाश से वर्तमान के सभी आलोचकों को आंखें चुंधियाने के लिए मजबूर करता है। वाराणसी के चंदौली में 1927 में जन्मे डॉक्टर नामवर सिंह BHU से अपना सफर शुरू करने के बाद सागर यूनिवर्सिटीज और जब अंत में JNU पहुंचे तो उन्होंने अपनी कलम से समालोचना का जो अमृत निस्रहत किया था उससे समूचे साहित्य जगत को उन्होंने उनकी कलम को नमन करने के लिए विवश कर दिया। आलोचना व्यक्ति उस सकारात्मकता से लेने पर निखारती है, साहित्य को अमृत समान कर देती है। आलोचना निसंदेह हम सहजता से पचा नहीं पाते, लेकिन आलोचना के बिना व्यक्ति का विकास, समाज का विकास और राष्ट्र का निरपेक्ष भाव से विकास कदापि संभव नहीं है। वो कहते हैं कि साहित्य और संस्कृति समाज के सौंदर्य शास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदु। नामवर सिंह जी इस मामले में दो टूक कहते हैं कि हिंदी में साहित्य आलोचना का पुराना सामाजिक राजनीतिक तेवर अब भी बरकरार है, किंतु सौंदर्य शास्त्र के संपर्क से संस्कृति की तरह और लगभग संस्कृति के साथ ही साहित्यिक आलोचना का सुंदरीकरण हुआ है। सुंदरीकरण शब्द सुंदर नहीं है, सुंदरीकरण कहें तो भी बात बनने की जगह बिगड़ती सी लगती है। ठेठ हिंदी में, हिंदी के अपने देसी लहजे में कहें तो सौंदर्य शास्त्र ने ही आलोचना को सुंदर बनाया है। नामवर सिंह जी हिंदी के आलोचना की वाचिक परंपरा के ऐसे आचार्य हैं जिनकी तुलना हम काव्य जगत में बाबा नागार्जुन से कर सकते हैं। जिस प्रकार बाबा नागार्जुन घूम घूम कर किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, नौजवानों के बीच, बुद्धिजीवियों के बीच, छोटी छोटी गोष्ठियों में जाकर के अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं बेहिचक सुनाते थे और एक जनतांत्रिक संवेदना को जगाने का काम करते थे, उसी प्रकार नामवर सिंह जी ने घूम घूम करके अपनी वैचारिक लड़ाई को लड़ा और रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कलावाद, व्यक्तिवाद जैसी रूढ़ियों के खिलाफ एक साहित्यिक चिंतन को प्रेरित किया, एक साहित्यिक आंदोलन को बल दिया। नामवर सिंह जी का व्यक्तित्व या कृतित्व आज की युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय नहीं, अविस्मरणीय है। उनके चिंतन, उनकी भाषा, उनकी रचनाशीलता और उनके व्यक्तित्व से नई पीढ़ी को एक दिशा मिली है। आज कोई भी समालोचक हो, कोई भी आलोचक हो, वो कहीं ना कहीं नामवर जी की शैली को चुराना चाहता है, उसी पर चलना चाहता है, उसी लीक पर अपनी एक लीक बनाना चाहता है। हालांकि नामवर सिंह जी का जो चिंतन था वो जीवन निरपेक्ष साहित्यिक महत्व के लिए था और वो जीवन सापेक्ष कलात्मकता के लिए पूरे जीवन संघर्ष करते रहे और यही कारण था कि उनकी वैचारिक दृष्टि और आधुनिक साहित्यिक संदर्भों में उनका चिंतन साहित्य के लिए और समाज के लिए बेहद मूल्यवान सिद्ध हुआ। हिंदी के इस शीर्ष समालोचक को, आलोचक को, साहित्यकार को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा गुरु मिला था। निसंदेह उन्होंने अपने गुरु की उन श्रेष्ठ परंपराओं को जस का तस बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब हम देखते हैं नामवर सिंह जी की कृतियों पर चर्चा करते हैं तो उनकी कृति बकलम खुद में जब वो कविताओं और अन्य विधाओं की गद्य रचनाओं को संकलित करते हैं तो उनका तेवर कुछ और होता है, लेकिन जब उनकी रिसर्च। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार मांझी है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी अधिकारी के पद पर वर्ष 2011 से कार्यरत हूँ। आज जिस महान विभूति को याद कर रहे हैं उनका नाम है श्रद्धेय प्रोफेसर नामवर सिंह जी। उन्हें
एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, नामवर तेरा नाम बड़ा है। हाँ, नामवर तेरा नाम बड़ा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी छोटी सी कविता। हिंदी आलोचना के थे वे नक्षत्र, हिंदी आलोचना के थे वे नक्षत्र, उनकी ख्याति फैली थी विश्व में सर्वत्र। हाँ, विश्व में सर्वत्र उनकी ख्याति फैली थी विश्व में सर्वत्र। साहित्य दुनिया के थे वे बड़े हस्ताक्षर, साहित्य दुनिया के थे वे बड़े हस्ताक्षर। हाँ, वे कोई और नहीं, वे तो थे नामवर। हाँ, वे तो थे नामवर। कम्युनिस्ट विचारधारा के थे वे बड़े समर्थक, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे बड़े प्रबल समर्थक। बात कभी भी कहते नहीं थे वे कोई निरर्थक, बात कभी भी कहते नहीं थे वे कोई निरर्थक। उनके सानिध्य में जो आया अपनत्व ज्ञान और प्यार पाया, उनके सानिध्य में जो आया अपनत्व ज्ञान और प्यार पाया। और गुरुवर का नाम ही शिष्यों ने चहुदिश फैलाया, हाँ शिष्यों ने चहुदिश फैलाया। जो भी मिला नामवर से, जो भी मिला नामवर से सद्बुद्धि सद शिक्षा पाई, जो भी मिला नामवर से सद्बुद्धि सद शिक्षा पाई। जिससे बदला जीवन उसका दिखा जीवन में अरुणाई, दिखा जीवन में अरुणाई। नारी उत्थान उनकी नजर में, नारी उत्थान उनकी नजर में था बहुत अहम विषय। चाहते थे गुरुवर हो स्त्री की सब जगह ही जाए, हाँ स्त्री की सब जगह ही जाए। साहित्य जगत के थे नामवर शिरोमणि, साहित्य जगत के थे नामवर शिरोमणि। वाचिक साहित्य परंपरा के ज्ञान के थे वे धनी, हाँ ज्ञान के थे वे धनी। स्पष्टवादी सोच और विद्वत्ता से थे वे भरे, स्पष्टवादी सोच और विद्वत्ता से थे वे भरे। बोलते थे तो लगता था जैसे कि मोती ही झरे, जैसे कि मोती ही झरे। पर गुरुवर जब से हो गए हैं, पर गुरुवर जब से हो गए हैं उस पर लोक के वासी। साहित्य जगत में फैल गई है बहुत ही उदासी, हाँ बहुत ही उदासी। तेजस्वी सूर्य की किरण बन, तेजस्वी सूर्य की किरण बन गुरुवर सबको निखारेंगे, तेजस्वी सूर्य की किरण बन गुरुवर सबको निखारेंगे। पुस्तकों के माध्यम से सही, पुस्तकों के माध्यम से सही जीवन पाठकों का संवारेंगे, जीवन पाठकों का संवारेंगे। धन्यवाद। आप सभी को डॉक्टर दमयंती शर्मा का सादर नमस्कार। हिंदी साहित्य के प्रतिमान, हिंदी आलोचना के शलाका पुरुष, प्रतिष्ठित प्रख्यात, जो स्वयं एक संस्थान थे, परम श्रद्धेय डॉक्टर नामवर सिंह जी को उनकी पुण्य जयंती पर मैं सादर नमन करती हूँ और अपने हृदय के कुछ भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। मर्म की गहराई थी, जुड़ाव संस्कृति से था। मर्म की गहराई थी, जुड़ाव संस्कृति से था। जीवंत सी आलोचनाएं प्यार हर कृति से था। विविध विधाओं का हमें करवाया था रसपान, विविध विधाओं का हमें करवाया था रसपान। नई सोच का था आभरण, पारंपरिक था परिधान। आज आपकी पुण्य जयंती, आज आपकी पुण्य जयंती।
थी कई चित्र उभरे हैं मन में भाव पुष्प अर्पण है मेरे भाव पुष्प अर्पण है मेरे करती शत शत नमन में करती शत शत आज नमन में परम श्रद्धेय डॉक्टर नामवर सिंह जी को मेरा सादर नमन और अनेकों प्रणाम धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्री प्रकाश यादव सचिव उत्तर प्रदेश नारायणी साहित्य अकादमी नई दिल्ली। आज हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष स्मृति शेष नामवर सिंह की जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी सुखी जनों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अवतरण दिवस पर बंदन है, अवतरण दिवस पर बंदन है गुरुदेव कोटि कोटि अभिनंदन है, अवतरण दिवस पर बंदन है गुरुदेव कोटि कोटि अभिनंदन है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां छायावाद इतिहास और आलोचना कहानी नई कहानी कविता के नए प्रतिमान दूसरी परंपरा की खोज वाद विवाद संवाद आदि के पथ प्रदर्शक दूसरी परंपरा की खोज वाद विवाद संवाद आदि के पथ प्रदर्शक आलोचना समालोचना विधा के सशक्त हस्ताक्षर नामवर सिंह की उज्ज्वल कीर्ति सदा बनी रहे नामवर सिंह पर अभिनंदन ग्रंथ हो तैयार इसलिए आप सभी से चाहिए संस्मरण समीक्षा लेख विचार नामवर सिंह पर अभिनंदन ग्रंथ हो तैयार इसलिए आप सभी से चाहिए संस्मरण समीक्षा लेख विचार बारम स्मृति शेष सर्वश्रेष्ठ नामवर का बारंबार अभिनंदन है अवतरण दिवस पर बंदन है गुरुदेव कोटि कोटि अभिनंदन है। जय हिंद जय भारत। मित्रों नारायणी साहित्य अकेडमी और अचीवर जंक्शन की ओर से नामवर जी जैसे शख्सियत की जयंती आयोजित की गई है। हम इस आयोजन की शुभकामना बधाई और अपने मन की श्रद्धा अर्पित करते हैं। कामना करते हैं कि एक साहित्य की राष्ट्रीय शख्सियत पर इस तरह के आयोजन सिर्फ जयंती पर ही नहीं हर ऐसे अवसरों पर जहां समाज को दिशा दर्शन की आवश्यकता है जहां समाज को साहित्य के प्रति जन जीवन के प्रति जागरूक बनाने की जरूरत है तब नामवर जी पर सेमिनार गोष्ठियां वेबिनार आयोजित की जानी चाहिए। हर साहित्यकार का या कृति पुरुष का व्यक्तित्व कम से कम तीन परतों में होता है। एक जो उसके व्याख्यान से जाना जाता है, एक उसके लेखन से जाना जाता है और दूसरा उसके व्यवहार से जाना जाता है। नामवर जी के व्याख्यानों को जिन लोगों ने सुना होगा, चाहे वह विद्यार्थियों ने सुना होगा या किसी सभा के आयोजन में,
शामिल लोगों ने सुना होगा एक वक्ता के रूप में नामवर जी। इसी तरह से उनके लेखन का संसार है, ये दूसरी परत है। जब लिखित रूप से जो कुछ भी नामवर जी हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। एक तीसरी परत है, जो जो लोग उनके संपर्क में आए प्रयोजन के अनुसार उनके व्यवहार से परिचित हुए। जिन लोगों ने उनके व्यवहार का अनुभव किया होगा तो उन्हें यह लगा होगा कि नामवर जी गंगा के कछार के सांस्कृतिक विरासत का संवहन करने वाले व्यक्तित्व हैं, एक ठेठ व्यक्तित्व, जीवट से संपन्न व्यक्तित्व, जो थके हरे मन को अपनी उपस्थिति से जीवंत बनाते हैं। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, संदर्भ जुड़े हुए हैं मेरे अनुभव में भी, क्योंकि मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पर शोध कार्य कर रहा था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और नामवर जी उसी गुरुपल्ली के एक शिखर हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि उन्होंने आचार्य द्विवेदी की एक व्याख्या उनके साहित्य के आधार पर दूसरी परंपरा की खोज के नाम से की। ये दूसरी परंपरा पहली परंपरा की भीतर की तेजस्विता का प्रतिपादन है। यह कोई अपनी कड़ी छोड़कर नहीं, अपनी धारा छोड़कर नहीं, धारा के भीतर जो सतत प्रवाहमान तेजस्वी धारा है, अंतर धारा है, उसकी बात वो करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि निजी व्यक्तित्व में कभी उन्होंने अपना देसी स्वरूप नहीं छोड़ा। योग एक्सपर्ट और मैं आ रही हूँ एचीवर्स जंक्शन पे हर शनिवार सुबह 10 बजे, जिसका नाम है योगा विद फिटनेस क्वीन। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी विद एचीवर्स जंक्शन। नमस्कार, हम मनोज भाऊ। आज हम देश के प्रख्यात हिंदी आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह जी के साथे बने, वहाँ के भोजपुरी माटी के हैं, भोजपुरी के फलत फूलत बढ़त गिरत सब देखले बनी। हमनी के गर्वा कि नामवर सिंह वो मिट्टी से जुड़े बनी। नामवर जी का बहुत बहुत स्वागत बा अंजन में। धन्यवाद। भिखारी ठाकुर जयंती है। भिखारी ठाकुर जी के भोजपुरी के शेक्सपियर, भोजपुरी के अनगढ़ हीरा कहल गई। रुआ हमरा अंदाजा बा कि भिखारी के नाटक देखले हो, भिखारी जी के देखले हो, कि रुआ ओ समय के साहित्य आ रंगमंच से जुड़ा रहल बन, तो हम चाहे कि वो अनुभव हमने के साथ साझा करें। अब तो जमाना ये है कि भोजपुरी तो सरकार द्वारा से मान्यता मिल गई है, बिहार में तो मिलल है, और सरकारी एक संस्था भी खड़ी की है भोजपुरी के नाम पर। तो सरकारी मान्यता तो मिल गई है भोजपुरी के। साहित्य अकेडमी में कोशिश है कि भोजपुरिया के मान्यता मिले के चाहिए, कैसे कि भोजपुरिया का कहानी, उपन्यास, नाटक, गीत, कविता, ये इतनी साहित्य छप गई बा बिहार में। तो पूरी संस्था है पटना में भोजपुरिया के विकास के लिए। तो अब भोजपुरिया हिंदुस्तान के भाषा या बोली में एक बहुत बड़ी मान्यता है। ये मान्यता के दिलावे में सबसे बड़ा योगदान
जेकर हा उसमें पहला नाम तो भिखारी ठाकुर के रहन जाए और उन्हें देखे का मौका हमें वही बनारस में मिला है पहले बार 1947 के आसपास का कौन घटना हुई भोजपुरी सम्मेलन रहे शंभुनाथ जी का बड़ा भाई डॉक्टर स्वामीनाथ पेशा से होम्योपैथी का डॉक्टर रहने वह संयोजक भी रहना होकर तो संयोग से उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बाबू जगजीवन राम के बुलाव रहे तो बाबू जगजीवन राम कह रहे भिखारी ठाकुर भूमि आ रहे पहले बेर देखे मौका मिला छरा बदन लंबा चौड़ा 6 फुटे आदमी इवल भिखारी ठाकुर रहुआ से सुना के मन बा अब कहे न कोनो गाना बजाना कुछ तो हो नहीं अब कहा अकेले अकेले सुनाई हूँ तब वो देखी कोशिश करते हैं गई लें डायस पर पर्दा के पीछे थोड़ी देर के बाद जाके वो है कुर्ता धोती और कंधा पर जन अंगोछी रहे वही के सिर पर रख के घूमट के तरह से छम से मंच पर अल और जो उन गीत गावत अल वो सगरी और बाबू जगजीवन राम की साखी बाबू जी सुनी रहुआ सुनी सगरी दहिया मोर बलम का सरकारी हो गई दे बलम का जमीन हो कि जैसे यहू के सरकार ले लेस उस समय जमीन का कोनो नया कानून आए रहे वही के खिलाफ सगरी दहिया मोर बलम का सरकारी हो गए छम से गा के और फिर एक बार पूरा गीत गौन वही के पहली बेर उन्हें सुने का मौका मिला देखे का मौका मिला जोन ए घड़ी के गरमाइल मुद्दा बा भोजपुरी के लेके भोजपुरी के सरकारी मान्यता के भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के जहां तक हमार जानकारी बा कि हिंदी के बाद अगर सबसे अधिक कौनो आबादी बोलेला लोक भाषा तो भोजपुरी बा फिर भी काहे सरकार अनदेखा करता ओकरा के 8वीं अनुसूची में काहे नहीं के शामिल किया देखे हम जब गुरुदेव हमार पंडित हजार प्रसाद द्विवेदी साहित्य अकेडमी में यहाँ संस्था बा साहित्य का सबसे बड़ी संस्था वो भारतीय भाषाओं के मान्यता दे ले तो हिंदी का प्रतिनिधि आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी रहने पहला ओकरे बाद हम तब से साहित्य एकेडमी से भोजपुरी के स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दियाबे का बहुत कोशिश भई और कई बोली लोग कहें कि वो तो बोली है भाषा नहीं हो बहस वहस भई अब भी कोशिश जारी है कि साहित्य एकेडमी में भोजपुरी के मान्यता मिल जाए कहें से कि सौभाग्य से आजकल विश्वनाथ तिवारी गोरखपुर का हुआ हिंदी के प्रोफेसर रहने वो सभापति होकर हुआ प्रेसिडेंट उम्मीद है कि अगर कोशिश की जाए तो साहित्य अकेडमी से मान्यता को मिल जाए अरुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बात कहीं और गुरु रहने वहाँ के अध्यक्ष भी रही अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के अपना अध्यक्षीय भाषण में कहले रही कि अब तो बहुत देर हो गई हमारा बड़ा अफसोस होता कि हम भोजपुरी में ना लिखनी पड़े इमें जो धार बा तेवर बा वो कहीं नहीं के रघुआ ये ढंग के कबो अफसोस होला या मन करला कि नाम भोजपुरी में का लिखले रहती या कोनो ऐसा योजना बा भोजपुरी में लिखे के अब ये उम्र में 88 साल की उम्र में हम का बूढ़ सुग्गा का राम राम पढ़िए लेकिन मन जरूर है कि हमारी बोली है हमारी मातृभाषा तो ये है ना खड़ी बोली सीख लिखे पड़ रहा हो तो वैसे बनारस का भोजपुरिया बहुत अच्छी नहीं हो वो बनारस यानी हम तो हमारे जिला तो पहले गाजीपुर में रहे हमारे परगना तो कुछ अचार तहसील चंदौली में तो है भोजपुरी का लेकिन बनारस का बोली कुछ असर दूसरी बोली का अवधि का कुछ असर पड़ रहा है तब वो कोशिश कर चलिए हम उम्मीद करता नहीं कि रुबा भोजपुरी के कुछ ना कुछ जरूर दें अपना गुरुजी के स्मरण करके ही कुछ ना कुछ एक भंडार भरे माई के फाड़
भोजपुरी माई हिया राउत, हिंदी मौसी हिया, तो माई के फाड़ में से निकाल के मौसी के बहुत देनी अच्छा बात तो हमने खेती तो दोनों मातारी ही अलू भोजपुरी के भी रुआ से मिली। हम चाहब कि अंत में भोजपुरी में रुआ अगर कुछ भी याद हो कि कौनो अगर गीत महेंद्र मिसिर भी के भी रुआ देखले बनी, भिखारी ठाकुर के भी देखले बनी, अगर कुछ भी याद हो कि रुआ सुना दी। अब गाय के तो हम ना ही सुना सके, लेकिन एक लाइन जरूर याद बा, एक पाकल पाकल पनवा खियोले गोपी चनवा तिरिसिया लगाए के जी महेंद्र मिसिर के गीत था जो उनकी नोट छापे वाला जो रहे उस पर रहे। हमरा से बातचीत करनी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तो मित्रों आपने सुना अभी डॉक्टर नामवर सिंह को, आपने भोजपुरी में बोलते हुए उनको बहुत कम ही देखा होगा और बहुत कम अवसरों पर आपने भोजपुरी में उनको बोलते हुए सुना होगा, क्योंकि वो शुद्ध हिंदी के लिए और हिंदी भाषा के लिए जाने जाते थे। हालांकि भोजपुरी भी हिंदी की एक बोली है और आपने बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग विचार सुने नामवर सिंह जी के बारे में। और मैं चाहता हूं कि अब हमारा जो अचीवर जंक्शन चैनल है इसके निदेशक मनोज भावुक जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि वो भी लाइव आए और हमारे नारायणी साहित्य अकादमी के कार्यालय में आरती का आयोजन है। नमस्कार। और नमस्कार मनोज जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको, काफी देर से कार्यक्रम सुन रहा हूँ, शायद मेरी आवाज पहुँच रही होगी आप लोगों को। जी बिल्कुल पहुँच, ढाई घंटे से ये लगातार स्टूडियो के अंदर बैठकर सुन रहा हूँ। मनोज जी कुछ बोल, हाँ और आवाज आपकी आ रही है, और सॉरी एक बार आपका आपको देख लूं क्योंकि लगातार मैं डिस्टर्ब किया, उंगलियां मेरी देखी, लेकिन अब ठीक दिख रहे हैं क्योंकि लगातार जिस ढंग से आप संचालन कर रहे हैं और अभी रात को 8 बजे कार्यक्रम का भी आपको संचालन करना, आपकी ऊर्जा और जिस ढंग से मनयोग से चीजों को आप और जिस सहजता सरलता से स्वीकार करते हैं आज, और मैं हमारे पर्दे के पीछे कि आज हम प्रोफेसर नामवर सिंह का जयंती समारोह मना रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम एक ऐसे महापुरुष की छत्रछाया में हैं जिन्होंने सोते जागते हमेशा हिंदी को जिया है, और उनके लिए ये कार्यक्रम अचीवर्स जंक्शन ने और नारायणी साहित्य अकादमी के मिश्रित तत्वावधान में ये कार्यक्रम हुआ है। और क्यों ना हम फिर से एक बार आपके साथ चलते हैं नारायणी साहित्य अकादमी के कार्यालय में, वहाँ आरती का आयोजन है, उस आरती में मैं अपने दर्शकों से भी चाहूंगा कि वो भी शामिल हो सकते हैं, वो भी शामिल हो और अपनी 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 दुआएं, अपनी श्रद्धांजलि। मनोज जी अभी मेरी बात, शायद वहाँ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, टीम को मैंने बोला है कनेक्ट करे, वहाँ नेट बहुत खराब चल रहा है, बहुत पुअर नेटवर्क है, वहाँ आरती चल रही है, पूजा चल रही है श्रद्धांजलि के लिए, दीपक जला रहे हैं, लेकिन नेट का दिक्कत है, जैसे कनेक्शन हो पाएगा हमारी टीम उनको कनेक्ट कर देगी। आपको पता है मैं पर्दे के पीछे बैठा हूँ इसीलिए ये सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट किया जाए। यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं, आप वहाँ मेरठ से हैं, ऑफिस में लोग जुटे हुए, वहाँ श्रद्धांजलि सभा चल रही है, और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। आप सब लोगों ने, दर्शकों को तो मैं एक बार प्रणाम भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ साथ ही साथ कि आप लोग इतने लंबे समय से, 2-2.5 घंटे, आजकल किसी को फुर्सत नहीं है कि 2.5 घंटे 3 घंटे बैठ कर लगातार कार्यक्रम देखे, लेकिन इतने लंबे समय से आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, उसी में वैरायटी, बहुत सारे लोगों के उद्गार, बहुत सारे लोगों के बाइट्स, कम से कम मनोज जी जब से प्रोमो चला है मेरे पास 50 लोगों के बाइट्स आए हैं, शुभकामनाएं आई, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं सीधे माफी भी मांगता हूँ कि इतने अगर बाइट्स हम चलाएंगे तो दिन भर चलाना पड़ेगा, हमने उद्गार रख लिए हैं, धीरे धीरे उनको अपने पेज पर डालेंगे,
दिखाएंगे, जो बन पड़ा कुछ 7-8 बाइट्स हम चला पाए, 10 बाइट्स चला पाए लोगों के अलग अलग क्षेत्र के, और कुछ लोग वहां भी हैं, ऑफिस में हैं, उनको भी सुनना था। मैं तो सिर्फ आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए आया हूँ कि एक बार ये करूँ। और एक एक जो मुझे कहना था, आपने देखा कि ये मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ बैठकर उनके पूरे जीवन संघर्ष पर, उनके जीवन के सफर पर मैंने लंबी बातचीत की। एक बार ऐसा भी हुआ कि मैंने ये भी सवाल कर दिया उनकी मातृभाषा को लेकर, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन लग रहा है कि शायद ऑफिस में कनेक्शन हो गया है। मनोज जी, मैं अपनी टीम से आग्रह कर रहा हूँ कि एक बार ऑफिस को कनेक्ट किया जाए। आभार, ये जो औपचारिक आभार है, हम आपसे वो बाद में आपको इसके लिए आपसे निवेदन करेंगे। फिलहाल चलते हैं कार्यालय और वहाँ आरती चल रही है। जी जी, वहाँ कार्यालय में लगता है आरती हो गई। अगर आवाज हमारी पहुंच रही है कार्यालय में, पुष्पा दीदी, आप डॉक्टर पुष्पा सिंह बिसेन जी, आप सुन पा रही हैं हमें? जी, आप लोग अभी आरती कर रहे थे, अभी आप लोग आरती कर रहे थे, आरती आप लोगों ने बंद क्यों कर दिया? आप आरती करते रहिए, और जिसको प्रार्थना करनी, हम 2 मिनट तक आपके साथ हैं कार्यालय में। आप आरती कीजिए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हम 2 मिनट तक लाइव हैं, फिर हम वापस स्टूडियो आएंगे। और हमारा मन है कि इस कार्यक्रम का जो समापन, हम जो है नारायणी साहित्य अकादमी के कार्यालय से ही करना चाहते हैं। और अगर आप लोग आरती कर रहे हैं तो अब निरंतर आप जारी रखिए। कुछ पूजा पाठ जैसा कुछ चल रहा है भाऊ जी? हाँ, ये शाम के 3 बजे से वहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ है, नेटवर्क की दिक्कत इसलिए हम पूरा नहीं दिखा पाए। लगातार जो है देखिए, वहाँ पर मोबाइल भी उनका रोटेट हो गया है। अगर वहाँ पर कोई है मोबाइल के पीछे, ऑफिस में मेरी आवाज पहुंच रही है तो रोटेट हो गया है, मोबाइल उल्टा हो गया, आप लोग उल्टा दिख रहे हैं, मोबाइल ठीक कीजिए। हाँ, अब सही है, अब सही है। जी, जी। आप लोग पूजा जारी कीजिए, आपको जो जिनको गाना है वो गाएं, प्रार्थना करें, हम लोग 2 मिनट तक आप लोग के साथ। जी, दर्शकों, नारायणी साहित्य अकादमी के कार्यालय आरती चल रही है, और ये हमारी परंपरा के एक अहम हिस्सा है। जगत में काव्य का परचम लहराए, नाम और बन समालोचक बन गए, वाचिक परंपरा खूब चलाए, जय 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 हे नाम और बाबू जी, करते हैं साहित्य जगत के सर्वोच्च शिखर, हम प्रतिदिन अभिनंदन वंदन करते हैं, सदा रहे आप साथ हमारे, कृपा सदा बनी रहे, हे साहित्य के सर्वोच्च शिखर, शत शत नमन करते हैं। आज के पावन दिवस पर हम आपका अर्चन वंदन करते हैं। मेरी टेक्निकल टीम मुझे सुन रही है, हम जो है वापस स्टूडियो में आ गए हैं, और हमारे साथ जो है मनोज भागुक जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, और इनके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, मनोज कुमार मनोज, और ये चार चार मनोज का एक जो है संगम आप देख रहे हैं। और इस संगम के आखिरी सोपान पे मैं अचीवर्स जंक्शन के निदेशक श्री मनोज भागुक जी से निवेदन करूँगा कि वो इस कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करें, और हमारे जितने दर्शक हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपना मन दिया है, स्नेह दिया है, उन सबको धन्यवाद दें,
और संस्था की तरफ से जो अचीवर जंक्शन की तरफ से वो उनका धन्यवाद जो है वो इस सोपान पर हम चाहेंगे। बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। नारायणी साहित्य जो अकादमी है उस परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। आप महासचिव हैं नारायणी साहित्य अकादमी के? मैं सेवक हूँ, मैं उसमें का सबसे छोटा बच्चा हूँ क्योंकि मुझे वो दुलार मिला है। मुझे याद है 2010 खुर्जा में एक कार्यक्रम हुआ था, डॉक्टर चंद्र बड़ी ब्रह्मदत्त जी भी जुड़े हुए थे, वहाँ कार्यक्रम हुआ था कारगिल का, और उसमें बाबू जी और पुष्पा डॉक्टर पुष्पा सिंह बिसेन जी, बाबू केदारनाथ सिंह जी और मैं, हम लोग एक ही गाड़ी से गए थे जिसमें केदार बाबू जी थे, नामवर जी, जो पहला वो लंबी यात्रा थी जिसमें हम लोग बात करते गए थे। और मेरे जैसे बालक को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद समझिए कि केदार बाबू एक साइड बैठे हों, इस दौर का सबसे बड़ा कवि केदारनाथ सिंह और दूसरे बाजू में नामवर सिंह बैठे हों और दोनों में हंसी ठिठोले भी चल रही है। और बहुत मतलब वो यात्रा संस्मरण यहाँ से वहां तक का, और उसके बाद मुझसे बात हुई और बहुत सारे संस्मरण उनके साथ जुड़े। उसके बाद कई साक्षात्कार मैंने केदार बाबू का भी किया, नामवर जी का भी किया, नामवर जी के तो इंटरव्यू आज दिखाए भी गए। एक बार भोजपुरी में मैंने उनसे बातचीत की जिसका छोटा सा अंश मैंने दिखाया था, और बहुत सारी उलाहना भी थी। एक बाल हट जो होता है उस अधिकार से मैं उनसे जिद करता था और बातचीत करता था, बड़ा स्नेह मिला। और अब ये दोनों लोग नहीं है। और जिस समय कार्यक्रम चल रहा था मैं एक पोस्ट लिख रहा था, एक बड़ा मैं अपने दर्शकों के साथ इस खबर को, इस दुखद समाचार को बांटना चाहूंगा कि मनोज जी आपको पता है कि भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर मैंने काम किया है, भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर मैंने पुस्तक लिखी है, और आज शाम को भोजपुरी सिनेमा की पहली अभिनेत्री, भोजपुरी सिनेमा की श्रेष्ठ अभिनेत्री कुमकुम का देहांत हो गया। अरे ठीक, ये कार्यक्रम जैसे शुरू हुआ सूचना मिली और मेरा मन था कि मैं आकर बोलूं, मेरी आंखें भर गई क्योंकि उस दौर में जब हिंदी के क्षितिज पर जब लोग भोजपुरी का इस्तेमाल, भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल हिंदी फिल्मों में सिर्फ छोंक देने के लिए करते थे, उनके गीतों का प्रयोग, संवाद का प्रयोग, और फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाती थी, बहुत सारी गंगा जमुना बहुत सारी फिल्में आई, मैंने एक अलग चैप्टर ही लिखा है आलम आरा से 31 से लेकर 61 तक की वो फिल्में जिसमें भोजपुरी संवाद के रूप में गीतों के रूप में प्रयोग, कोई सोच नहीं रहा था। लेकिन फिल्म बनी 61 में और 62 में रिलीज हुई गंगा मैया तुहे पेरी चढ़ रही, वो पहली फिल्म थी भोजपुरी की और उसकी हीरोइन कुमकुम, आज उनका देहांत हो गया। तो मैं ये दुख की खबर है, बहुत दुख की खबर है। और इस दुख की खबर में जो है अचीवर्स जंक्शन दिवंगत आत्मा को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता है, और जो उनके निजी परिवार के लोग हैं उनको हम संबल प्रदान करते हैं, और जो उनके चाहने वाले लोग हैं निश्चित रूप से सबके लिए बहुत दुख का विषय है। हम सब अचीवर्स जंक्शन के तमाम दर्शक, अचीवर्स जंक्शन की तमाम टीम और मनोज भाऊ जी आपके साथ, हम सब लोग जो हैं उस परिवार के साथ, उन चाहने वालों के साथ खड़े हैं। मनोज जी, जो लोग भोजपुरी भाषी नहीं है या भोजपुरी फिल्में नहीं देखे हैं वो भी कुमकुम को जानते हैं। आपको पता होगा कि उनका जो पहला काम था गुरुदत्त साहब के साथ था, मैं वही पोस्ट ही लिख रहा था, आप लोग ने गाना जरूर सुना होगा, कभी यार कभी पार लागा तीरे नजर, कुमकुम जी पर फिल्माया गया गाना था, फिल्म का नाम आर पार। तो कुमकुम जी बॉलीवुड में भी पॉपुलर थी और उसके बाद उन्हें मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म में पहचान मिली, मदर इंडिया, कोहिनूर और उजाला जैसी फिल्मों में वो दर्शकों के दिलों पर राज करने लगी, और बॉलीवुड भोजपुरी फिल्मों में तो खैर कहना ही नहीं है, वो टॉप की हीरोइन थी ही, और आज 86 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। बहुत सारे संस्मरण हैं, ये वक्त नहीं है, हम लोग बाबू जी को याद कर रहे थे पिछले साल जनवरी में, बाबूजी भी छोड़कर 2019 में हम लोग को चले गए, और हम और आप तो उनके बड़े करे हर कार्यक्रम में नारायणी साहित्य अकादमी चुकी अपनी संस्था थी, तो हम लोग उनके ऐसे ये मेरा सौभाग्य है बाबूजी के मैं आज
प्रोफेसर नामवर सिंह की जयंती समारोह का भी संचालन कर रहा हूं और उनके कई जन्म दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों का मैंने संचालन किया है जिसमें स्वयं प्रोफेसर नामवर सिंह जी मौजूद रहते थे और उनको कविता सुनाने का जो है वो अलग आनंद था। तो उनको कितनी बार मनोज जी वो इतने बड़े थे, आपने लोगों ने तस्वीरों में देखी है, मेरे जैसे बच्चे को मंच पर बैठो, हम बोले नहीं आपके सामने कई तस्वीर वीडियो देखे, बोले नहीं हम लोग तो निकल आए, अगली पीढ़ी को तुम लोग लेकर चलने वाले हो, यहाँ बैठो, यहाँ से चलाना है। इतने सरल सहज थे और यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उनके साथ मंच साझा किए, मंचों पर बैठे, उनका आशीर्वाद मिला। और कई बातें आज भी मैंने तो, और समय नहीं है क्योंकि अगला कार्यक्रम हमारा काव्य निर्झर 8 बजे से होने वाला है, तो उसका भी मैं दर्शकों को बता, आपको जाना नहीं है क्योंकि काफी एक मुहिम हम लोग चला रहे हैं चीन के विरुद्ध, एक मुहिम हम समय के साथ चल रहे हैं। अचीवर जंक्शन जो है 15 मिनट का अंतराल चाहिए, 10 प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं और सबके टेस्ट का, सबके लिए। हमने योगा पर कार्यक्रम किया, हम डांस पर कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, हम करियर की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम हेल्थ की बात करते हैं, हमारे यहाँ पोएट्री के 2 कार्यक्रम हैं, हमारे यहाँ म्यूजिक के 2 कार्यक्रम हैं, हमारे यहाँ कहानी कही जाती है अचीवर्स की, जो मैं कहता हूँ 9 बजे रात को, तो सबके लिए कार्यक्रम है और एक छोटे से प्लेटफॉर्म को मनोज जी मैं भरा हुआ भीतर से कि एक छोटे से प्लेटफॉर्म को आपको इतना बड़ा स्नेह मिला, हम तो उसके काबिल ही नहीं है, लेकिन आपने, आपके प्रेम ने हमको इतनी ऊर्जा दी है कि हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप सबका आभार और खास तौर के मैं जो आया हूँ आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, आपके प्रति आभार व्यक्त करने, एक औपचारिकता भी होती है कार्यक्रम के अंत में, तो मैं जैसा कि मनोज जी ने बताया एक जिम्मेवारी दी गई है, पद कोई बड़ा नहीं होता, एक महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है कि चलाओ बेटा देखो इसको, मैं उसको संभाल रहा हूँ उस लिहाज से भी। और अचीवर जंक्शन ये अपने मित्रों के साथ इतने इतने मनोज भाई जैसे दिग्गज लोग जब कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं कि नहीं करना है, कुछ करना है, ऐसे 10 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी टीम है यूथ की, और हम लोग चल पड़े फक्कड़ आदमी, हम लोग बोले कि चलो कुछ भी नहीं अपने पास, फिर भी हम लोग करेंगे, एक जिद थी हम लोग लेकर चल गए और कर रहे हैं, जब तक ईश्वर चाहेगा चाहेंगे हम करते रहेंगे। हम कोई बहुत बड़ा वादा या हम वादे में भरोसा नहीं करते, करने में भरोसा करते हैं, कहते हैं करने से होता है, तो कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर और सपाट रास्ते में तो भाई कोई भी चल सकता है जी, लेकिन उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने वाले राही जो है वो अलग होते हैं, और हमारे मनोज भावुक जी ऐसे ही राही हैं जो हमेशा उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना जानते हैं। मैं तो इस वक्त मनोज भाई उन लोगों को, टीम के सदस्य को धन्यवाद दूंगा, हिमांशु से हाई स्कूल का बच्चा पूरे चैनल को चला रहा है, ब्रॉडकास्टिंग प्रोमो ये सारा का सारा, पता है 10 लोग हैं, नवनीत है, साकेत रंजन प्रवीर जी हैं, डॉक्टर संध्या सिन्हा है, ये ऑन स्क्रीन के लोग हैं, बैक स्टेज में 25 लोगों की टीम, कोई ग्राफिक्स में कोई प्रोमो, ये पूरी टीम दिन रात काम कर रही है और निस्वार्थ बस सेवा भाव से इसको लेकर चलना है, कुछ भी हमारे पास लेने देने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप दर्शकों का है जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और मैं फिर से बड़े कम शब्दों में और बिना औपचारिकता भी हटा दी, मैं हृदय से बिल्कुल मेरा भरा हुआ है। और नामवर जी की एक बात हमेशा मुझे याद रहती है, वो कहते थे बाबू जी की, जब दिल भरा हो तो दिमाग खाली हो जाता है, शब्द नहीं निकलते हैं, तो सचमुच मैं निशब्द हूँ आपके प्रेम के आगे, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आप सब लोग हमसे जुड़े और 2.5 घंटे 2.75 घंटे तक लगातार इस कार्यक्रम को देखे, आगे भी देखिए, चाय नाश्ता कर लीजिए, 15 मिनट का ब्रेक है, फिर 8 बजे आइए और काव्य निर्झर कार्यक्रम से जुड़िए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, और मैं भी जो है आप सभी का धन्यवाद करता हूँ दर्शकों, एक संचालक के नाते कि आप लोगों ने जो है हमें सुना, हमारे साथियों को सुना और इस कार्यक्रम को सराहा, और फिर अगले कार्यक्रम में मिलते हैं काव्य निर्झर में। काव्य निर्झर में एक बहुत लंबे समय से एक मांग आ रही थी कि किसी युवा चेहरे को लाया जाए, युवा चेहरे को आप नहीं ला रहे हैं,
आज मैं एक युवा चेहरे को आपके सामने लेकर आया हूँ और जो देहरादून से हैं, श्रीकांत श्री, आप उनको जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। प्रकाश राय योग एक्सपर्ट और मैं आ रही हूँ अचीवर्स जंक्शन पे हर शनिवार सुबह 10 बजे, जिसका नाम है योगा विद फिटनेस क्वीन। स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी विद अचीवर्स जंक्शन। कि क्या तुमने सूरज को देखा कभी रुदाली करते, और चंदा मामा को तारों के घर पानी भरते, और चंदा मामा को तारों के घर पानी भरते। अरे मूर्खो हमें डराने की नादानी करते, अरे मूर्खो हमें डराने की नादानी करते। सिंह सुमन क्या कभी श्रगालों के घर पानी भरते, सिंह सुमन क्या कभी श्रगालों के घर पानी भरते। हमने खूब लगाया नारा हिंदी चीनी भाई, हमने खूब लगाया नारा हिंदी चीनी भाई, हमने खूब लगाया नारा हिंदी चीनी भाई। पीठ में खंजर घोपा उसने तनिक लाज ना आई, पीठ में खंजर घोपा उसने तलिक नीरज ना आई। नमस्कार, मैं श्रीकांत श्री देहरादून से आ रहा हूँ अचीवर्स जंक्शन के कार्यक्रम काव्य निर्झर में देश के बड़े महनीय गीतकार भाई मनोज कुमार मनोज जी के निमंत्रण पर। तो मित्रों, मिलते हैं 28 जुलाई दिन मंगलवार शाम 8 बजे काव्य निर्झर कार्यक्रम में, जो कि होगा अचीवर्स जंक्शंस के चैनल पर। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अभिनेत्री पूनम दुबे। मैं आ रही हूं अचीवर जंक्शन यानी कि सफर मनोज भावुक के साथ करने आप लोगों से बहुत सारी बातें। आपके सवाल होंगे और जवाब होंगे मेरे। तो मिलते हैं शनिवार यानी कि 1 अगस्त रात 9 बजे। देखना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अचीवर। गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। दोस्तों, मैं गाजियाबाद से डॉक्टर कुंवर बेचैन आपके सामने हूँ, आपके बीच आ रहा हूँ। डॉक्टर साकेत रंजन रवीर जी के कार्यक्रम में तहत और तरन्नुम इस कार्यक्रम में आ रहा। अचीवास जंक्शन।